एवरीथिंग आई आई थिंक अब ठीक है सॉरी फॉर दैट म्यूटेड वर्जन सॉरी फॉर दैट म्यूटेड वर्जन लव यूर लव सो मच क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है अब सही है ना अब सही है अब सही है हाँ अब सही है अब सही है अब सही है। है लव यू सो मच आई होप कीपिंग टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ थोड़ी इंग्लिश भी सॉरी लव यर लव यू सो मच टेक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ प्लीज ठीक है पढ़ाई बहुत जरूरी है बट अभी प्रायोरिटी पर है आपकी आपकी फैमिली की हेल्थ और तबीयत सारी चीजें अच्छी रहें आपके लिए कभी आपको वैसी प्रॉब्लम्स को ना फेस करना पड़े जैसे कि लोग अभी फेस कर रहे हैं यही है अपनी तो एवरीवेयर ट्राई के सारे लोगों जितने भी लोग आपके आसपास हैं मुश्किलों में हैं दुख में हैं उनसे दूरी भी बनाए रखिए, बट उनकी मदद भी कीजिए जहां तक हो सकता है तो चलो शुरू करते हैं सेशन मतलब है <laughs> हम जो पूरी तरह से अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं कि भाई रदर फोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल में क्या, क्या थ्योरी से तो जेजे थॉमसन ओपी हो जाए एक बार क्या हाल है दोस्तों भावनी शामित विधि अरुषि रेतिक सूर्यांशी इन्फिनिटी ओपी ओ 800 के लिए बधाई थैंक यू सो मच आपकी तरफ से एक पार्टी तो जरूर बनती है एट के हो गए हम लोग और इसे जल्दी से जल्दी, जल्दी वन मिलियन पहुंचा दो वन मिलियन हो गई तो फिर ओ यार पार्टी मेरी तरफ से नहीं भाई की तरफ से <laughs> क्योंकि पार्टी पार्टी देने का मतलब है आप तो लूट डालोगे क्या ना हाँ यार लूट लोगे आप तो बट काफी अच्छा लग रहा है देख करके वैसे इसे संडे तक हो जाना चाहिए था एट के बट थोड़ी सुस्ती कर देते हो आप दोस्तों से शेयर नहीं करते हो ये वीडियो भी दोस्तों से शेयर कर डालो क्योंकि आज जो है कुछ बड़ी मजेदार बातें होने वाली है हर बार मैं ये बोलता हूँ आज कुछ बड़ी मजेदार बात होने वाली बट और भी पिछली बार से और ज्यादा मजेदार बातें होने वाली है और ज्यादा मज़ा आने वाला है सेशन में जितनी ज्यादा जितना ज्यादा अच्छी थ्योरी होती है जितना ज्यादा लेवल अप होता है ना थ्योरी का

काफी सारी अच्छी अच्छी रैंक्स बना चुका हूं और 500 प्लस आईटी टी है से और भारतीय होते हुए भी अमेरिकन केनिकल सोसाइटी के मेंबर हैं और ये पाप अभी तक किसने किया है सब्सक्राइब नहीं करने का पाप किसी ने किया है तो धो डालो जल्दी से और इसके साथ साथ बेल बटन भी दबा देना नेताओं जैसे आधे अधूरे काम नहीं करने अब मुझे बताओ जरा बॉक्स में कितने लोग हैं जिन्होंने की अभी तक प्रो प्लस नहीं लिया है ये बताओ आप वेदांतो प्रो प्लस अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फटाफट -फड़ ले डालो बिकॉज मैंने बार बार कहा है कि दिस इज एन अमेजिंग रिसोर्स जिसके साथ आप बिल्कुल मेंटली फ्री रहो आप बस इस रिसोर्स के साथ हो इस रिसोर्स के साथ आप जिस बैच में आप इनरॉल हो गए बैच की क्लासेस करते रहो आपको ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डाउट सॉल्विंग मिलेगी पर्सनलाइज इंटरवेंशन है आपको जिस तरह की भी प्रॉब्लम आती है सारे शेयर करो ढेर सारे टेस्ट हैं पोस्ट क्लास कॉन्टेंट है मजेदार स्क्रीन है जिस पर हम पढ़ाते हैं बहुत सारे उसके फंक्शन है मेरे फेवरेट फंक्शन से कुछ फेवरेट कुछ टूल है क्या अनकैम करना आपको अन करना करना और अनम्यूट दोनों होते हैं तो अभी मैं दो तीन दिन पहले की बात बताऊं आपको तो क्या यार बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए <laughs> तो ट्वेल्थ क्लास की बैच जो अभी चल रही है इस पर मेरी उसमें मैंने जो है यू ही कर दिया एक लड़के को एक बच्चे को यार वो तैयार नहीं बैठा था मैं हमेशा समझाता हूँ देखो जब कभी भी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर हो वेदांत वाले प्लेटफॉर्म पर तो ये बिल्कुल क्लासरूम होती है बस हम आपके साथ सेम रूम में नहीं बैठे होते हैं बट एग्जैक्टली ये क्लासरूम जैसी होती है आप अपने घर पर होते हो हम अपनी जगह पर होते हैं बट ये क्लासरूम जैसी है तो यहाँ पर डिसिप्लिन वे में बैठते हैं अनकैम अनम्यूट कर सकते हैं अनकैम करके आपके सारे आपके सारे राज जो है वो खुल सकते हैं है ना कि आप सच में क्लास में बैठे थे या नहीं बैठे थे ओके <laughs> okay, तो बड़ा मजा आता है इस पर और डाउट सॉल्विंग इस तरह से लेते हैं देखो फोटो खींच करके आप भेजते हो आपको रिप्लाई मिलता है बहुत डिटेल डिस्कशन होता है और माइक्रोस्कोपी है और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जिस तरह की भी एनालिसिस आप चाहते हो एक्यूरेसी गलतियां लीडर बोर्ड हर तरह की चीज लास्ट में जाते, जाते जाते जब सेशन खत्म होगा तो और भी बातें आपको बताएंगे और डिटेल वर्जन बताएंगे आपको कुछ पूछना होगा पूछना आपको जवाब देंगे प्रो प्लस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो रिज़ल्ट के लिए शानदार रिजल्ट बहुत ही औसत awesome. रिजल्ट के मामले में हमसे लोग बराबरी शायद नहीं कर सकते हैं हमारे रिजल्ट बहुत साउंड है बहुत पावरफुल है आप देख रहे हो अगर सिर्फ ये एडवांस को उठाओगे तो दस में से एक बच्चे का सिलेक्शन तो ज़रूर है सो so, ये ये जो रिज़ल्ट है ये अपने आप में ही वो कहते हैं ना कि लेट योर सक्सेस बी दाइस खुद हमें इनवाइज ही नहीं बनना बट लेट दक्सेस बी दाइस तो हमारे रिजल्ट जो है वह एक्चुअली इस पिकअप करते हैं कि हम आपकी केयर पूरे थ्री सिक्सटी डिग्री इस फेयर में कर पाते हैं मल्टीपल कोर्स का फीचर जो है वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अगर आप सपोज देट आप जेई वाले कोर्स में अगर इनरोल्ड हो एनी टाइम अगर कोई बोर्ड का कोई कोर्स लॉन्च होता है आप उसमें भी इनरोल्ड हो सकते हो पैरेलली विदाउट एनी कॉस्ट अगर आपको लगता है कि कोई पार्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर की पढ़ाई किसी पार्टिकुलर टीचर से करनी है आप उनके उस कोर्स में शामिल हो सकते हो जैसे हमारे माइक्रो कोर्स अभी आने वाले हैं उन माइक्रो कोर्स में आप जा सकते हो शायद हमारा तो इसी वीक से शुरू है शायद मेरा इसी वीक से शुरू है और कोई भी ब्रिज कोर्स आप करना चाहते हो वो कर सकते हो सो बहुत सारे फीचर अमेजिंग है दोस्त अगर अफोर्ड कर सकते हो ले डालो देर मत करो और हां मंथली से ज्यादा मैं आपको कहूंगा प्रेफर करूंगा कि आप इला ले लो सो दैट कि आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाए मटेरियल्स की और भी बहुत सारे फायदे हैं दूसरे मंथली भी अमेजिंग है बट आपके पैसे भी बचते हैं काफी ईयरली वाले में और वैसे आपका जो भी आप ईयरली कोर्स लोगे तो आपका शायद दो ढाई हजार के आसपास का ऑन एन एवरेज मंथली खर्च आएगा जो कि अफोर्डेबल होता है आज के टाइम में so, सो अफोर्डेबल है तो ले डालो टाइम ना लगाओ और हाँ ये गलती मत करना कोड लगा देना सो दैट के टेन परसेंट ऑफ मिल जाए बिना कोड लगाए मत लेना चलो अब शुरू करते हैं अब तक सारे लोग आ आगे अच्छा एक और अनाउंसमेंट है।, है ना ये वाला जो है, वो क्या बता रहा है पढ़ाई में इंप्रूवमेंट गारंटीड है अगर इंप्रूवमेंट नहीं तो गेट योर कोर्स फी बैक भाई अमेजिंग अमेजिंग अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो गारंटीड आप वापस ले सकते पैसे दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज समिंग अमेजिंग बहुत ही अमेजिंग प्रॉमिस है अब यहां पर पांच लोग दिखाए जा रहे हैं, सेशन शुरू कर रहे हैं हम पांच लोग दिखाए जा रहे हैं फटाफट फड़ बताओ इन पांच में से जे जे थॉमसन कौन है ओ सॉरी जे जे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जे जे कहीं सुना हुआ है हमने कहा सुना हुआ है ओ जान जानू जनेश्वरी <laughs> चलो जल्दी बताओ मुझको जे जे थॉमसन कहा है जल्दी जल्दी कौन है जीजे थॉमसन कौन है बोर कौन है रदरफोर्ड कौन है श्रोडिंगर जल्दी पहचानिए जे जे जानेश्वरी <laughs> जल्दी सेकंड फर्स्ट वाले कौन है फर्स्ट वाले कौन है फर्स्ट वाले कौन है ये भाई साहब फर्स्ट वाले कौन है फर्स्ट का मतलब हम वहां लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं पता है क्या अगर आप मॉडल देखोगे ना तो मॉडल ये 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 मुझे डायग्राम बहुत पसंद है पता है क्यों क्योंकि पांच फेजेज जो पांच मेन फेजेज है एटॉमिक मॉडल्स के वो यहाँ पर स्टार्टिंग से दिखाए गए हैं स्टार्ट करते हैं जान जानो जनेश्वरी से अगर जे जे थॉमसन से <laughs> तो अगर जे जे थॉमसन से स्टार्ट करें तो जे जे थॉमसन के मॉडल में जे जे थॉमसन के मॉडल की सुनना सुना 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 एक एक लाइन में हर मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस डायग्राम में तो डायग्राम के साथ ही डायग्राम में यहां पर जो ये जो पांच डायग्राम है ना इनसे ही पता चलता है कि किस मॉडल में क्या बात बताई गई थी जे जे थॉमसन बताया गया था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दसो जल्दी से क्या बताया गया था जे जे थॉमसन सॉरी जे जे थॉमसन भैया ये है सॉरी <laughs> मैं जो है मैं क्या बोलू मेरा ध्यान जो है चश्मे वाले पर है जे जे थॉम्सन मतलब जानश्वरी अरे यार <laughs> सॉरी हम कोई बातचीत आज नहीं करने वाले जान जान जानश्वरी की बड़ा ध्यान बढ़ जाता है उनकी वजह से समझ ना तो मैं इन पे ध्यान दे रहा हूं जबकि बात हो रही है इस मॉडल की तो पहले बात करते हैं ये ये मॉडल किसका है ये डाल्टन थ्योरी है ना <laughs> ये जो ये है डाल्टन जोरी थ्योरी है डन ये डाल्टन थ्योरी है मतलब एटम इंडिविजिबल होता है एटम इंडिविजिबल होता है सो so दैट के इसके अंदर का कोई हालचाल बताया नहीं गया आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कुछ नहीं बताया गया क्योंकि ये डाल्टन भैया का कहना था इसके बाद आते हैं जे जे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। बट आप को देख काफी चीजें रिलेट करके पढ़ी थी वो e है ना? वो जो कैथोड एक्सपेरिमेंट था तो जे जे थॉमसन की तरफ से जो मॉडल की प्रोडक्शन थी उस मॉडल के प्रोडक्शन में क्या था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर ये बातचीत चल रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए अंदर में कहीं ना कहीं तो कोई पॉजिटिव पार्ट वैसा कुछ होना चाहिए है ना तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये बातचीत हुई अब उनके बाद किन का नंबर आया रदरफोर्ड का आज रदरफोर्ड से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रदरफोर्ड भैया को आज मैं रोस्ट करने वाला ये पता है आपको हाँ इन्हें तो मैं रोस्ट करूंगा इनको छोड़ूंगा नहीं मैं क्यों रोस्ट करूंगा बताता हूं पहले आते हैं रदरफोर्ड के ठीक ऊपर बना हुआ है वो एटॉमिक मॉडल जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रदरफोर्ड के ठीक ऊपर बना हुआ है क्यों बना हुआ है क्योंकि रदरफोर्ड के टाइम पर डिस्कवरी हुई किसकी न्यूक्लियस की तो ये समझ में आया कि पक्का ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूरी पर होते हैं किसके दूरी पर होते हैं न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस जहां पर के पूरे एटम का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है है ना अब इनके बाद आए हैं बोर भैया बोर भैया ने क्या किया कि ये जो ट्योटि जो हो रहा है ना इसको थोड़ा जो है ऑर्गेनाइज बताया ये बताया कि देखो रदरफोड ये जो तुम कर रहे हो ये जो तुम कर रहे हो अच्छा आज इनकी इनकी रोस्टिंग जो है मैं तो करूंगा ही इनकी रोस्टिंग बाकी लोग भी करने वाले हैं जो इनके बाद आए स्पेशली ये बोर भैया बोर भैया नाम से बोर है ये बोर करते नहीं बड़े मजे कराते हैं <laughs> बोर भैया नाम में बोर है सोचो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम में बोर नहीं होता लेकिन वो बोर कराते इनके नाम में ही बोर है लेकिन ये बोर ही नहीं कराते ये बड़े मस्ती कराते हैं तो बाबा बोर जो है बहुत मस्ती कराते हैं अच्छा ये दोनों भी इनको रोस्ट करने वाले हैं मैं तो खैर इनको रोस्ट करके छोड़ूंगा बहुत अच्छे से रोस्ट करके एयर फ्राई कर दूंगा इनको तो इन्होंने जो मॉडल बताया उस मॉडल में आप देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस समझो क्योंकि आज दिख रहा है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है यहां फिक्स हुए, हुए। तो रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल पेश किया था इस मॉडल के इस मॉडल के इस शेप की वजह से ही इसके ड्रॉबैक्स इसके जो लिमिटेशन थे वो आ गए मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है इस मॉडल से हो ही नहीं पा रहा था बाद में जब समझ में आया कि मॉडल ऐसा होना चाहिए तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले बट यहां और यहां में बहुत बड़ा डिफरेंस ये श्रोडिंगर्स मॉडल है अब इतनी देर से कुछ लोग जो बार बार परेशान हो रहे थे बार बार भूल जा रहे थे कि भाई कौन से कौन से कौन से साइंटिस्ट के लिए कौन सा कौन से कौन सा साइंटिस्ट का डायग्राम है कौन से कौन से साइंटिस्ट का फोटो है नहीं पता चल रहा था तो एक बार अपन जो है लिख डालते हैं डाल्टन भैया ने ये और फिर जानू जानेश्वरी भैया ने ये और रदर ने रदर ने ये मॉडल दिया ये हो गया बोर का है ना और ये हो गया क्वांटम मॉडल श्रॉडिंगर का अब मुझे बताओ फटाफट श्रोडिंगर के मॉडल में और बोर मॉडल में क्या डिफरेंस है दोस्तों क्या दिख रहा है क्या डिफरेंस है क्लाउड का डिफरेंस है यह मॉडल साफ साफ दिख रहा है कि क्लाउडी है ये मॉडल साफ साफ दिख रहा है कि क्लाउड है मतलब ये जो गैप्स हैं ये जो पार्टिकुलरली जो पाथ बना दिया गया है वो पाथ एक्चुअली पाथ के रूप में नहीं होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं सेंटर में न्यूक्लियस होता है और फिर बाकी सारे स्पेस में क्या होते हैं क्लाउड्स होते हैं हमने ये भी पढ़ा है कि नोड्स भी होते हैं कितने लोगों को याद है रेडियल नोड का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है एंगुलर नोट का फॉर्मूला एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यस दोस्त याद है मुझको तो दोस्त मुझे याद है दोस्त मुझे याद है मुझे तो याद है दोस्त मैंने नहीं भूला है दोस्त मुझे तो याद है याद है ना यस आ जाओ मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स से किसी को याद है तो श्रोडिंग मॉडल में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोर्स मॉडल में क्लाउड नहीं था लेकिन ऑर्गेनाइज कर दिया गया कितने अच्छे से प्रोग्रेस समझ में आ रहा है ये पांच फेज का प्रोग्रेस हमारा जो आइटम का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम अक्सर इनका ही डिस्कशन करते हैं तो ये माइंड में पिक्चराइज कर लिया आपने आप अगर सिर्फ इस डायग्राम को देखोगे ना तो ये समराइज करेगा और डिफरेंशिएट करेगा और ड्रॉबैक भी बता देगा तो मेरी नजर में ये जो स्लाइड है ना दोस्त ये स्लाइड अपने आप में सारे एटमिक मॉडल का कंपेरिजन कर डालता है सबकी लिमिटेशन बता डालता है सबके इंपॉर्टेंट फीचर्स बता डालता है ताली एक बार एक बार इस स्लाइड के लिए फर्स्ट स्लाइड के लिए तो होना चाहिए फर्स्ट स्लाइड ओपी होना चाहिए है ना बड़ा मुझे बहुत पसंद है स्लाइड की भाई इस स्लाइड पर कोई भी बच्चा जो खुद से समझ सकता है कि आखिर कौन कौन से मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर थे ठीक है खुद से अब आप क्या करना खुद से नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज को देखो नेक्स्ट पेज पे वही बात है बट आप क्या करना खुद से जब आप रिवाइज करोगे आज का लेक्चर तो कॉपी में एक बार आप ना खुद से बनाने की कोशिश करोगे कि सर ने याद कराया था क्या आप अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करोगे और शॉर्टिंग तक जाओगे तो पांच डायग्राम बनेंगे पांचों डायग्राम में आपको मेन फीचर्स बताने हैं जो मेन फीचर्स थे अपने आप उसी से कॉम्पेरिजन हो जाएगा और अपने आप उसी से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा कि किस मॉडल की क्या खासियत थी अब ये मॉडल आपके सामने पेश किया जा रहा है तरबूजा मॉडल तरबूजा मॉडल क्या था और ये तरबूजा मॉडल जो है किसके लिए था एक्चुअली प्लम्प पुडिंग मॉडल भी कहते हैं हम या वाटर मिलन मॉडल भी कहते हैं और मुझे तो लग रहा है बस ये खा जाऊ सबसे टेस्टी मॉडल वैसे तो थॉमसन का ही था थॉमसन <laughs> के मॉडल में ये बात थी यार के बिल्कुल जो <laughs> है ना प्लम पुडिंग क्या ही बोलूँ मैं तरबुजा बिल्कुल तरबुजा मॉडल तरबुजा ही मॉडल बस बहुत पढ़ा हुआ है सारे लोगों ने तो तरबूजा मॉडल में आखिर क्या बताया था थॉमसन ने थॉम्सन ने बताया था कि कुछ ऐसा होगा जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स वो कुछ तरबूजे में जो बीज है ना सीड्स हैं इन वाटर मिलन जस्ट लाइक सीड्स इन वाटर मिलन जस्ट लाइक सीड्स इन वाटर मिलन इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से इम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इसी तरह से है ये अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो जिजे थॉमसन का अपना कंक्लूजन था हमें बताया गया ये गलत था है बीच बीच में मैंने मीम्स भी डाले हुए जहां जहां पर मतलब आपको पता है ऐतिहासिक कोटा फैक्ट्री सबने देखी है तो सबने देखा है कि ये सारे मॉडल को बहुत अच्छे से रोस्ट किया गया था मैं एक पीछे क्यों हो रहा हूं मैं भी रोस्ट करूंगा तो भाई जे जे थॉमसन इन एन नाइन दैट एन एटम अ स्फेरिकल शेप रेडियस अप्रोक्सीमेटली टेंथनस टेन मीटर जो एक अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक डेटा है अप्रोक्सीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ यस अप्रोक्सीमेटली गुड डेटा So, वो रेडियस है देखिएगा रेडियस है किसका एटम का सारे लोग नोट कर ले रहे हैं एटम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली वन एंगस्ट्रॉम वन एंगस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों बताओ फटाफट टेन द पावर माइनस टेन मीटर सही है सही है मैं क्या बोल सकता इसको अगर नैनोमीटर में लिखता है तो कितना हो जाता बताओ जीरो पॉइंट वन लिख दू मैं इसको चलेगा अच्छा इस चैप्टर में याद रखना जो अगली क्लास है उसमें बड़े कैलकुलेशन हैं जो अगली क्लास है भैया उसमें बहुत कैलकुलेशन हैं अगली ही क्लास है जो अगली है. <laughs> है बहुत काम की और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है जो नेक्स्ट क्लास है आज की क्लास से नेक्स्ट क्लास का बेस तैयार होगा और जो नेक्स्ट क्लास है बहुत स्कोरिंग है वैसे नेक्स्ट सारी थ्री क्लासेस जो है उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आज तो पढ़ करके हम बेस तैयार कर रहे हैं जो अगली नेक्स्ट जो थ्री क्लासेज होने वाली है है ना हाँ हाँ बिल्कुल आईसी स्टूडेंट्स वॉच कर सकते हैं क्यों नहीं टेन पर माइनस टेन मीटर को जीरो पॉइंट मीटर दें चलेगा सही है अरे ठोको ताली बताओ जल्दी मुझको सही है कि नहीं है मीटर लिखा है है मैंने तो मीटर क्या होता है? टेन पर माइनस नाइन मीटर होता है कर दो मल्टीप्लाई सही था तो टेन पर माइनस टेन आ जाएगा ना हाँ कैलकुलेशन आने वाले हैं दोस्त चलो तो थॉमसन मॉडल तो डन है इसमें कुछ खास था नहीं हमें तो फोकस करना रदरफोर्ड और बोर्ड पर बट स्टार्टिंग से अगर चले तो अच्छा डालता देख लिया था तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन टू इट्स इन सच इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट थॉमसन ने बोला मॉडल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच की तरह जो एम्बेडेड हैं और इसी, इस तरह से वो रखे हुए होंगे अरेंजमेंट हमें मिल जाता है इस तरह से रखा गया है कि मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट मिल जाता है वाटरमिलन मॉडल uh, भाई साहब कितने खाने वाले नाम है, है? जरा आप बताना आप लिमिटेशन तो सीख चुके हो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में क्या डिफरेंस था थॉमसन ने ढंग से ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन दूरी पर होते हैं न्यूक्लियस रदर फोर्ड मॉडल से एक्चुअली न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन आई कि न्यूक्लियस सेंटर पर होता है ये चीजें थॉम्सन मॉडल से नहीं आया था दिस मॉडलफैक्ट्री एक्सप्लेन द रिजल्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाई रोड विथ थॉमसन ऑब्वियसली मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के साथ मैच नहीं करता है फिर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने और एडवांस बात बताई क्या बताई न्यूक्लियर सेंटर पर होता है जो यहां पर नहीं बताई गई थी नेक्स्ट पॉइंट अब ये एनसीआरटी से रिलेटेड एनसीआरटी का पेज उठा करके रखा गया एनसीआरटी ने जो कुछ बताया थॉमसन मॉडल से रिलेटेड मैं बीच बीच में एनसीआरटी के पेज क्यों दिखाता हूं सो दैट की आपकी आत्मा को शांति मिले

और अच्छे क्वेश्चन एनसीआर डाल सकती थी बट एनसीआर ने किया किया, क्या क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत डाल दिए इतने ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती कोई बात नहीं उस पर मैं कभी और भी डिस्कशन करूंगा बट मैंने शायद आपको समझा दिया कि क्या रीजन है मैं एनसीआरटी बीच बीच में क्यों दिखाता हूँ सो दैट यू डोंट फील डिसकनेक्टेड विद एनसीआर यू हैव टू फील दैट के मैं जो भी बता रहा हूं वो एनसीआर से होकर के ही चल रहा है कुछ भी अलग नहीं है हा मैं और डेप्थ में बताऊंगा और समझाऊंगा और, और ज्यादा सॉल्विंग कराऊंगा और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉग बनाऊंगा ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन बाय थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम मजेदार है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आपसे शायद गलती हो रही है यस गलती कर रहे हो आप गलती कर रहे हो आप एक बार पेज को रिफ्रेश किया जाए बिकॉज को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दोस्त जो है वो कम दिखाई दे रहे मुझको और ज्यादा होने चाहिए थे Let us check well all all of you. I'll be here. okay? Yes. So या फिर एक से ज्यादा सही है मैंने बताया कि देखो याद रखना क्लास में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते बट लेट us सी पहले डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने बताया था कि एटम इंडिविजुअल है फिर थॉम्पसन वाले के लिए मैंने एक लाइन बोली थी कि बस इस जो मॉडल का जो टिव मॉडल जो हमने दिखाया था फर्स्ट स्लाइड पे वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं आएगा आंटी लनलेस के हम बोर्स मॉडल ना पहुंच जाए पांच मॉडल्स स्टार्ट होते हैं डाल्टन से तो पांच मॉडल है का मॉडल तक आने से बट स्पेक्ट्रम देखो स्पेक्ट्रम का मतलब स्पेक्ट्रा बना है स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ। एटॉमिक एटमिक मॉडल में वर्ड स्पेक्ट्रम आएगा ना उसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन वो फर्स्ट टाइम हमें कहां से मिली है बोर्स मॉडल से जल्दी लिखो चैट बॉक्स में बोर ओपी फर्स्ट टाइम फ्रॉम बोर सो जे जे थॉमसन मॉडल से ही नहीं सकती ओके okay? सो so, ये नहीं हो सकता

समझाया जा सकता है so, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही थे सिर्फ एक ऑप्शन सही था सिर्फ एक ऑप्शन सही था नाउ अब हम जाएंगे रदर मॉडल की तरफ तो रदर मॉडल की तरफ आ, जाने से पहले जरा आप बताइए कि यह मीम आपके सामने क्यों रखा गया है पढ़िए जरा एक बार नीचे पढ़िए रदर फोर्ड मॉडल सप्लेंटेड प्लम पुडिंग मॉडल क्या मैं नहीं हाँ अच्छा एक सेकेंड चॉकलेट की बात आप लोग कर रहे हो लास्ट क्लास जो भी बंदे चॉकलेट जीते थे अच्छा क्या आप लोग मतलब दो बंदों को तो मैंने भेजा भी है गूगल पे मैंने कर दिया सबने क्या मांगा था एक नहीं मांगा था आ, एक किसी ने किटकैट मांगा था वो तो मुझको याद है पता नहीं किटकैट वाले क्यों याद रह जाते हैं मुझको और किसी ने जो है वो रेजिन वाला मांगा था जो भी मांगा था मैंने जो भी पैसे थे वो मैंने गूगल पे कर दिए जिनके नहीं होते डे सेम डे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया करो और अपने चॉकलेट ले लिया करो चॉकलेट या तो ऑर्डर करवा लो चॉकलेट के या तो गूगल पे ले लो आई एम ऑलवेज रेडी बट मिस मत किया करो ओके okay? और कि, जिसने भी चॉकलेट जीती हो वो ले लिया करो बोल करके है ना दो तीन लोगों ने और किया शायद मैंने उनको सेंड नहीं किया है अभी मैं क्लास के बाद फिर बैठ करके एक बार वॉच करूंगा भाई आपकी क्लास होती है उस दिन मेरा एक बड़ा काम होता है आपको चॉकलेट भेजना जिस किसी ने भी जीती हुई होती है तो मेरे ऊपर आपका चॉकलेट उधार नहीं होना चाहिए उधार नहीं होना चाहिए चॉकलेट नहीं तो फिर तड़पता रहूंगा मैं आत्मा तड़पती रहेगी मेरी बाकी कैसा लगा मीम बताओ ये ऐसा मीम यहां पर लगाने का पर्पज़ ये है कि एक्चुअली देखो जे जे थॉमसन के बाद रदर फूड का जो एक्सपेरिमेंट था ना वो अपने आप में केमिस्ट्री को अलग ही डिमेंशन में ले गया केमिस्ट्री को अलग डायमेंशन में ले जाने के ले जाने के तरफ कोई एक्सपेरिमेंट अगर हुआ एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कुछ बना तो वो रदर फोर्ड्स मॉडल था जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत ही अलग डायरेक्शन में लेकर के गया केमिस्ट्री को रदर के एक्सपेरिमेंट से ही पॉसिबल हो पाया कि बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स फर्दर आगे बढ़ाए बोर को जो भी आइडिया मिला वो उसका बैकबोन यहां पर था फिर बोर्स मॉडल के आगे जो है फिर और डेवलपमेंट हुए और बाद में फिर जो है हमारे पास श्रोडिंगर्स मॉडल आया क्वांटम मॉडल आया बट रदर वाला जो मॉडल है उसने ऐसी तैसी कर दी ऐसी तैसी कर दी किसकी थॉमसन मॉडल की तो रदर मॉडल अब हम स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दिखाते हैं देखिए क्या है ये पहचानी जल्दी से <laughs> ये एक्चुअली मैं आज करने वाला हूं खुद एक्चुअली मेरे अपने नाम से जो मेरा अपना चैनल मैं उसको सोच रहा हूँ कि बस जो फन टाइप की एक्टिविटी करूँ तो मैं वहाँ पर जो कुछ कुछ रदर फूड भैया की बैंड बजानी मुझको क्यों मतलब मैं पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसा कभी किया नहीं है मैंने मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ तो बताना तो बनता है ज़रूर कि क्यों रोस्ट बनता है किसी केमिस्ट्री के टीचर से क्यों रोस्ट बनता है इनका बताना तो ज़रूर है सो दिस इज़ ये मैं करूँगा आज बट चलो अभी पढ़ते हैं यहां पर तो पढ़ना है एंड हिज स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया रदर फोर्ड ने सर देन वाई रदरफोर्ड रदर फोर्ड रोस्ट का रीजन है वो आप लोग आना देखना क्या रीजन है बताऊंगा रदर फोर्ड हर्ष सर अच्छा भाई रदर फोर्ड हर्ष सर क्यों है भाई रदर <laughs> फोर्ड सर है करते हैं उस पर बात फटाफट पहले तो पता है क्या आज लेक्चर जो है वो मतलब काफी सारी बातें काफी सारी बातें तो अभी अब ये नॉन स्टॉप चलते हैं बीच में पानी पीने के लिए ब्रेक लेंगे रेदर फोर्ड ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अपने दो स्टूडेंट के साथ इनका नाम थोड़ा मुश्किल है लेना हमारे लिए मतलब हम भारतीयों के लिए थोड़ा मुश्किल है बट शायद हम ले सकते हैं आप इस नाम को क्या बोलोगे मैं तो इस नाम को बोलूंगा जिगर जिगर के टुकड़े तो रदरफोर्ड ने जो है अपने जिगर के साथ अपने जिगर के साथ और अपने इसको पता नहीं क्या पड़ेंगे मार्सडेन जो भी है तो अपने जिगर के साथ और अपने मतलब अपने स्टूडेंट थे जैसे आप लोग कैसे मेरे दिल के टुकड़े हो आप लोग जैसे कैसे मेरे दिल के टुकड़े वैसे रादर के जिगर के टुकड़े थे तो रादर जो है वो जिगर के साथ और मारडेन के साथ जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इनके नाम भूल भी जाओ वैसे भूल नहीं सकते क्योंकि अब मैंने इनका कुछ नाम दे दिया इसीलिए तो राधर फोर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया सबको पता है आप लोगों ने यहां तक तो पढ़ा हुआ होता है क्लास टेन तक इनफैक्ट के बोर्स मॉडल का बेसिक भी आपको पता होता है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड वेन रदर फोर्ड स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स दी सो दे बम्बाडेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल रिमेंबर ऐसा नहीं है कि गोल्ड फॉइल के अलावा एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता इफ समस्क इफ समस्क दैट के कॉन्ट बी कैरी आउट रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन अनादर फॉइल एंसर इज यू कैन बिल्कुल कर सकते हो रदर फोड कंक्लूजन रदर हैज टेकन आउट ऑफ गोल्ड हिस्सा एक्सपेरिमेंट दोज 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 कैन ऑल्सो भी अप्लाई टू अदर फॉल्स ऐसा नहीं तो है ऐसा नहीं होता है दूसरे पर भी हो जाएगा ठीक <laughs> है यहां जो ऑब्जर्वेशन है वो गोल्ड फाइल से रिलेटेड है बट वो कर सकते हैं हम दूसरे के लिए भी ओके सो अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वॉज डिरेक्टेड एट अ foil. फॉल मैं आपको इसका थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एक थ्री डी भी है मेरे पास एक एनिमेशन है इसका दिखाता हूँ। बट पहले समझो आपने जो पहले जो पहले पढ़ा हुआ उससे रिलेट करो बस अभी क्लास इलेवेंथ में यहाँ पर कुछ एडवांस चीजें ऐड होने वाली है उन एडवांस चीजों पे फोकस करना है। ये तो पता होता है कि हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स भेजते हैं बट यहां पर हम फोकस कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा हाई एनर्जी

कि ऐसा क्वेश्चन आया तो शायद 2002 बहुत पहले की बात है इसलिए तो 2002 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था पूछा गया था कि इन हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बॉम्बाडेड उसके बाद ऑप्शंस थे क्या हमारे पास आगे पेज है ना पेज नहीं है सो लेट मी हैव रदरफोर्ड रदरफोर्ड बॉम्बाडेड अब देखना ऑप्शंस थे आप मुझे बताना आंसर पहला है अल्फा न्यूक्लियाई बी हीलियम एटम्स ऑप्शन सी ऑप्शन सी जिगर नहीं है का जिगर अलग है ऑप्शन सी एच प्लस आयन एंड डी हीलियम ही अब आप फटाफट फ़ड़ चेक करो आखिर कौन से पार्टिकल को रदरफोर्ड ने यूज किया गोल्ड फाइल पर स्ट्राइक करने के लिए फटाफट फ़ड़ बताना जल्दी से मुझको यस, yes, दिखा मुझे आंसर दिखा आंसर दिखा काफी सारे अच्छे बच्चों ने दिया है आंसर ये हीलियम न्यूक्लियाई और दैट इज अ करेक्ट आंसर एक दिन और मैंने बताया हुआ भी है अल्फा पार्टिकल बोलेंगे ना दोस्तों वो हमेशा एच प्लस टू होता है सारे लोगों को पता है हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर आप यहां से दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा न्यूक्लियस बचेगा दैट इज वाई कि सिर्फ न्यूक्लियस बचा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हम कहते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियाई बचा है हीलियम पर दो पॉजिटिव चार्ज को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं ठीक है और इसी अल्फा पार्टिकल को इमपिंज किया गया था स्ट्राइक कराया गया था सो द करेक्ट आइटम इज करेक्ट आंसर इज सॉरी करेक्ट आइटम करेक्ट आंसर इज डी नाउ भाई यहां पर थिन फॉइल फॉइल के फॉइल का जो थिकनेस है वो कम दिखाया गया है 100 नैनोमीटर के आसपास क्या फॉइल की थिकनेस हम बढ़ाएंगे तो रिजल्ट्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा है हमेशा 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 ही असर पड़ेगा दिखाता हूं मैं क्या असर पड़ेगा आगे देखिए थिन गोल्ड हैड फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट अब जो गोल्ड फॉइल पर जो अल्फा पार्टिकल आकर के स्ट्राइक कर रहे थे वो अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो क्रॉस करेंगे कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेंगे स्कैटरिंग मेनली स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल की उस स्कैटरिंग को समझने के लिए उस स्कैटरिंग से डेटा निकालने के लिए चारों तरफ उस गोल्ड फाइल के क्या लगा दिया गया फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी गई किसकी जिंक सल्फाइड की सो so दैट की जो सिंटिलेशन होंगे जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को वहां से ये पता चल सके कि कितने अल्फा पार्टिकल कौन से एंगल पर स्कैटर हुए कौन से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए आई होप कि जो नेक्स्ट हा आई होप कि ये जो आपको जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो मतलब कई सारे डायग्राम है एक और मैं दिखाता हूँ अभी जो मैंने भी एक रखा हुआ आपके लिए सो लेट मी ऑल्सो शो दैट कि हाँ जी कीप कर लेते हैं आओ दिखाई देते हैं आपको बिकॉज शायद दिखेगा क्या मुझे खुद कहीं ढूंढना पड़ेगा खुद के वाले वो कहाँ हैं मैंने अभी तो डाला पता नहीं ढूँढना पड़ेगा मुझे खुद का ही चैनल ढूँढना पड़ता है बहुत देती है <laughs> तो कुछ कुछ मैंने शुरू किया है क्या लिखा जाए आ, ये क्या क्या आ रहा है भाई वही इतना डालो नहीं कि कुछ भी आता रहता है तो कहाँ से डाला जाए क्या डाला जाए रादर एक्सपेरिमेंट रादर एक्सपेरिमेंट डाल देता है रोस्टिंग रदर फूड डाल सकते हैं, yes. यस है ना देखो ना मेरा नाम गूगल करोगे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम दिखाता है मेरा ये दिख रहा है मुझको देखा तुम लोगों ने मैं अपना ही नाम गूगल करता हूं तो हाँ, सच में आ गया भाई रोस्टिंग <laughs> रदर लिखा नहीं कि वही आ गया अच्छा ये है अब ये देखो कहाँ गया हाँ दिस इज देख लोगे आप अगर मैं इसको बड़ा कर दूं सी देख रहे हो अल्फा पार्टी की लेमीटर है ये अल्फा पार्टी की लेमीटर है ठीक है अभी स्लो स्लो थोड़ा चलेगा आराम से दो मिनट की वीडियो है जो मैंने डाली है अपने इस पर तो प्रोसीजर क्या है चल भाई चल चल थोड़ा फास्ट चल हा जा आ जा मैंने म्यूजिक के साथ एडिट किया हुआ थोड़ा वो स्लो मोशन में चल रहा है ऐसे घूम रहा है <laughs> हाँ तो अल्फा पार्टिकल एमीटर है यहाँ पर थोरियम पोलोनियम वगैरह ये सब है ठीक है क्रॉस सेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल एमीटर ये अल्फा पार्टिकल एमीटर है अल्फा पार्टिकल की बीम निकली निकल रही है निकल रही है निकल रही है हा ये क्या है क्या था ये सब क्या है पता है आपको अब यहां पर एक सेकंड इसको रोक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई ये तो गोल्ड फाइल था लेकिन उससे पहले क्या थे उससे पहले क्या था ये क्या था ये देखना तो ये सब क्या है ये क्या है दो थे ना हाँ दो थे एक पहले भी आपको दिख रहा होगा कार्डबोर्ड टाइप का आपको दिख रहा था एक और एक और इसके बाद भी दिखता है शायद है ना ये जो दो जो लगे रहते हैं ना गोल्ड फाइल तो गोल्डन टाइप का दिख रहा है लेकिन जब अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहां से निकलता है और निकलने के बाद ये दो कार्डबोर्ड से होकर के जो निकलता है ये दो जो कार्डबोर्ड है ना उनमें से एक जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए भी होता है एक जो है वो वो नैरो नैरोट भी होता है नैरो नैरोट क्या होते हैं क्या इस पर कुछ हो सकता है नहीं नैरो क्या होते हैं नैरो होते हैं कि अगर आपने कोई वाइड बीम अगर आपने सोर्स से वाइड बीम भेजी है ना तो नैरो नैरोस क्या करते हैं उस वाइड बीम को ना नैरो कर डालते हैं तो जो भी अल्फा पार्टिकल उस नैरो स्लिट से क्रॉस करेंगे बस वही अल्फा पार्टिकल जो है वो जा करके कॉन्सेंट्रेट करेंगे बॉम्बार्ट करेंगे किसको गोल्ड फॉइल को तो आप जो ये बीच में कार्डबोर्ड वगैरह देख रहे हो ना मैं स्टार्टिंग से फिर से चलने देता हूं ये जो कार्डबोर्ड वगैरह वहां पर देख रहे हो लगे हुए वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं या फिर जो है बड़ी बीम को वाइड बीम को दे एक्चुअली मेक दैट वाइडर बीम अ नैरो वन अब दैट नैरो बीम विल स्ट्राइक द गोल्ड फॉइल तो ये क्रॉस करके देखा आपने आकंड एक सेकंड एक से से ए हेलो 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 ये 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 देखा ये देखा ये देखा चल रहे दो बीम निकलेगी देखो वाइड बीम है वाइड बीम है ये जाएगी क्यों आ रहा है अल्फा पार्टिकल लीजिए गुस्सा हो गया कोई अल्फा पार्टिकल सो so, स्लिट से स्लिट से जाते हुए फाइनली ये जो जेडेन एस स्क्रीन है ये पूरी जेडन एस स्क्रीन है इस जेडेन एस स्क्रीन के अंदर हमने क्या रखा है गोल्ड फॉइल रखा हुआ है है ना और यहां से फाइनली इस जो फाइनल जो जेडेन स्क्रीन है वहां पर भी स्लिट लगी हुई है वहां से क्रॉस करके फाइनली इंपिंज होती है सारी अल्फा पार्टिकल की जो बीम है वो गोल्ड फाइल पर इंपिंज होती है और उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ अल्फा पार्टिकल इनमें से आपको क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे अपने रास्ते पे जिस रास्ते पे वो आ रहे थे उसी रास्ते पे जाते हुए दिखाई देते हैं उसके बाद कुछ आपको दिखाई देंगे जो मेन जो ओरिजिनल जो रास्ता है ये पाथ ऑफ प्रोपगेशन जो था काफी सारे अल्फा पार्टिकल इसी रास्ते पे आपको जाते हुए दिखाई देंगे और काफी सारे अलग अलग एंगल पर स्कैटर होते हुए दिखाई देंगे तो यहां पर थिन गोल्ड फ़ाइल रखने का एक फायदा ये है कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल जो बैक साइड जाकर के स्कैटर हुए हैं उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते फिर हैं फिर ईश्वर देते चलिए यस ये पाथ ऑफ प्रोपगेशन है काफी सारे चले गए ऐसे फिर बाकियों को दिखाया जा रहा है कि अलग अलग एंगल पे स्कैटर एक देख रहे हो इधर भी गया है एक इधर भी स्कैटर हुआ है नीचे भी स्कैटर हुआ है और कुछ यहां स्कैटर हुआ वापस एक दो बिल्कुल 180 डिग्री पर भी वापस अपने रास्ते पे 180 डिग्री वापस भी चले जाते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे होते हैं ये थोड़ा इंटरनल जो अंदर जो हो रहा है रिपल्शन वाला काम उसको दिखाया जा रहा है मैं अब अपनी तरफ से समझाता हूं कि हुआ क्या है पूरे मॉडल में ये तो डन है भाई साहब चलिए आपका काम हो गया चलिए आप वापस चलते हैं हम अपने पीवीटी पर हाँ यहां आ जाते हैं आ जाए वापस जी स्वैप कर दिया जाए स्वैप कर दे स्वैप कर दे स्वैप कर दे स्वैप कर दिया जाए स्वैप कर दिया जाए जी आइए सो हम यहां पर थे उसी वो जो मॉडल था जो एनिमेशन जो मैंने दिखाया वहां से उसको अगर सिंपली दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स है लेड लेड शीट होल है का, का काम क्या होता है लेड जो है वो रेडिएशन करता है अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी हैं अक्सर उसमें दिखाया जाता है तो लेड का काम जो है रेडिएशन करना भी होता है तो एक्स्ट्रा रेडिएशन हो गई जितने जितने का काम है है से ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, उसको, पा, पास, उसको पास ऑन किया जा रहा है और जो भी अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फाइल पर आ रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रही हैं और ये सिंटिलेशन ये जो आपको इम्पिंच होने के बाद आपको फ्लोरेसेंस दिख रहा है दिख रहा है ना ग्रीन 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 जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ठीक है अरेंजमेंट अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं मेन कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है अब हम इसे पढ़ते हैं कि एक्चुअली स्कैटरिंग के पीछे का रीजन है क्या so, पहले यहां जो स्लाइड पर अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो उसमें बताया जा रहा है कि जो पूरा अरेंजमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का उससे पाया यह गया कि एटम एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वह एम्प्टी है ऑब्जर्वेशन कैसे लगाया रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने यह पाया कि स्कैटरिंग होने के बाद ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो कि बीम से आई थी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है वो ना के बराबर हुआ है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर फाउंड अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ क्या मतलब इसका मतलब यह है कि भाई अल्फा पार्टिकल जो ओरिजिनल पाथ से भेजा गया था उसकी स्कैटरिंग बहुत कम हुई है मेजोरिटी की अच्छा मेजोरिटी की स्कैटरिंग कम हुई है अगर मुझे अल्फा पार्टिकल ढेर सारा अल्फा पार्टिकल मुझे दिया गया है सोर्स से ढेर सारे अल्फा पार्टिकल निकले है, है ना और गोल्ड फाइल से होकर के पास किए और जो स्क्रीन है उस पर मुझे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड होते हुए नहीं दिखाई दे रही है दैट मीन्स यहां पर कोई बाधा नहीं है यहां पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं है या तो आप यह कंक्लूजन निकालोगे अगर आप यह कंक्लूजन निकालते कि गोल्ड फॉयल में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं है इसी वजह से सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में दिखाई दिए तो आप गलत हो क्योंकि सारे तो अल्फा पार्टिकल आप नहीं कह सकते कि यहां पर अनडिफ्लेक्टेड पास हुए आपको कहना है मेजोरिटी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल काफी सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं जिनमें कि डिफ्लेक्शन आया स्कैटरिंग आई कुछ ऐसे हैं जो कि क्लोज काफी कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए कुछ ऐसे हैं जो कि ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए कुछ ऐसे भी हैं जो 90 से हुए हैं और कुछ ऐसे हुए जो 90 प्लस से हुए हैं और आउट ऑफ 20,000 थाउजेंड अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 थाउजेंड अल्फा पार्टिकल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी पाया गया है जो कि 180 डिग्री से भी वापस गया है अब ये वापस गया का मतलब क्या है एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं स्कैटरिंग की आप बताओ मुझको रदर के एक्सपेरिमेंट से हमें मिला क्या फटाफट फट बताओ पहले चैट बॉक्स में रदर के स्कैटरिंग से हमें मिला क्या है क्या मिला है हमें क्या मिला है हमें रदर के स्कैटरिंग से हमें मिला है न्यूक्लियस दैट मीन सारे एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आने वाला है वो ऑब्जर्वेशन इशारा करने वाला है कि सेंटर पर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड मासिव सेक्शन है उसी सेक्शन को हम न्यूक्लियस बोलने वाले हैं जो भाग हैं वो वैकेंट है, है।, ऐसा, ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है अल्फा पार्टिकल ठहरे ये एच ई प्लस टू इनको रिपेल कौन करेगा इनके ऊपर रिपल्शन का इफेक्ट कौन डालेगा ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड तो अब मुझे पहले यह बताओ रदरफोर्ड को यह कैसे समझ में आया कि किसी तरह का रिपल्शन का इफेक्ट हो रहा है यह बताओ पहले बॉक्स में आखिर यह कैसे रदरफोर्ड को समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल को कुछ ना कुछ तो रिपल्शन फेस करना पड़ा वो समझ में आया यहां से यह ठीक है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही थी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल को पाया गया कि डिफ्लेक्शन ना के बराबर है उससे एक कंक्लूजन आया कि अच्छा ज्यादातर एटम्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एमपिटी बट ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज नॉट एमपिटी आई बात समझ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज दिटी बट नॉट ऑल पार्ट ऑफ एज एम टी एक पार्ट ऐसा है एटम का स्पेशली सेंटर पर जिसके पास पॉजिटिवली रिचार्ज है पॉजिटिवली रिचार्ज मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज है और वो रिपल्शन का, का काम कर रहा है तो रिपल्शन कैसे समझ में आया रेदरफोर्ड को पहले रदरफोर्ड ने देखा गया स्कैटरिंग ना होने वाले अल्फ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। तो उसने फटाफट लिखा अच्छा आइटम का मोस्ट ऑफ़ द पार्ट जो है वो है है तो फिर उसने क्या देखा अच्छा डिफ्लेक्शन काफी सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे भी है जो डिफ्लेक्ट हुए हुए स्कैटर अलग-अलग अलग एंगल -अलग एंगल पर अब ये अलग की बात का ना आप समझ रहे इस तरह से गया और ये आइटम है अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उस रास्ते गया है जिस रास्ते उसको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा न्यूक्लियस तो अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है ये वापस रिपेल हो जाएगा 180 डिग्री पे लेकिन आपको पता है कि ये जो ये जो रेडियस है ना जो रेडियस हम बनाते हैं वो रेडियस हम अच्छे से ड्राइंग करके नहीं बनाते हैं क्योंकि पता है ये ये जो डिफरेंस होता है ना ये जो गैप होता है न्यूक्लियस में और एटम की बाउंड्री में वो बहुत ह्यूज होता है कैसे एटम का खुद का साइज जो है वो माइनस टेन मीटर है और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 फिफ्टीन मीटर का रेडियस अप्रोक्स होता है जरा सोचो कितने टाइम्स का डिफरेंस है टें माइनस टेन मीटर जो है वो साइज है अप्रोक्सीमेटली एटम का और टेन पर माइनस फिफ्टीन मीटर जो है वो साइज है न्यूक्लियस का जरा आप, आप ये बताओ कि डिफरेंस कितने का है न्यूक्लियस के एक लाख गुना करने पर जो है वो एटम का साइज आएगा तो पूरा जो एटम का साइज है वो वन लाख टाइम्स अप्रोक्स है न्यूक्लियस के साइज के न्यूक्लियस एक लाख गुना छोटा है ठीक ऐसा है जैसे आपके हाथ में अगर क्रिकेट बॉल है आप स्टेडियम में हो और आपके हाथ में क्रिकेट बॉल है तो जो स्टेडियम की जो बाउंड्री है वो पता है कितनी दूर होगी फाइव किलोमीटर इमेजिन एक ऐसा आईपीएल हो रहा है जिसमें कि बैटिंग और बॉलिंग हो रही है पिच पर और जो दर्शक है वो बैठे हुए हैं कहां पर स्टेडियम पे स्टेडियम की बाउंड्री ऑब्वियसली स्टेडियम में बैठे रहते हैं और स्टेडियम जो है वो बाउंड्री होती है उस कॉम्प्लेक्स की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की और इमेजिन के पिच से लेकर के जो लोगों के बीच की किलोमीटर है, है।, है।, तो है ना तो ड्रॉइंग किलोमीटर की दूरी पर जो है हम बनाएंगे रेडियस हम नहीं बना सकते बस हमें इमेजिन करना होता है कि ये गैप बहुत बड़ा होता है तो अल्फा पार्टिकल जो हम फेंकेंगे ना ज्यादातर चांस है कि वो अल्फा पार्टिकल कहां से पास करेगा एटम के वैकेंट स्पेस से और अल्फा पार्टिकल ज्यादातर अल्फा पार्टिकल को कुछ होगा नहीं बट कुछ ऐसे होंगे जो जाएंगे पास से जो जाएंगे पास से है ना तो जितना क्लोज जाएंगे न्यूक्लियस के उतना ज्यादा रिपल्शन अब जैसे कि कोई दूर से गया तो उसको हल्का सा रिपल्शन फेस करना पड़ा जो ज्यादा क्लोज जाएगा वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा जो और ज्यादा क्लोज जाएगा वो और भी ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा सही है है ना बिल्कुल ये आइडिया आपको था पहले से मैं इसमें ऐड कर रहा हूं बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐड होने वाली क्लास इलेवंथ की अच्छा ये ये वैसा बेचारा बदकिस्मत है जो गया और सीधे ही सीधे न्यूक्लियस के रास्ते चला गया तो न्यूक्लियस ने इसको बहुत अच्छे से इसकी कुटाई की इसको वापस उसी रास्ते पर रिपेल करके भेज दिया ये मत समझना कि जो अल्फा पार्टिकल यहां गया था इस रास्ते हे इसको हम अक्सर कहते हैं ये जो रास्ता है जिस पर के 180 डिग्री पर उस अल्फा पार्टिकल को वापस भेज देते हैं इसे हम अक्सर कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन वाला रास्ता हेड ऑन सर से सर टकरा जाए हेड टू हेड कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन वाला रास्ता तो ये जो हेड ऑन कॉलिजन वाला पाथ है ना ये जो हेड ऑन कॉलिजन वाला पाथ है पे तो ये मत सोचना कि अल्फा पार्टिकल जाकर के न्यूक्लियस से टकरा जाता है नहीं टकराता नहीं है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर के रिपेल होकर के वापस कर दिया जाता है जैसे बैट एंड बॉल में तो बैट से टकराएगी बॉल तब तो रिपेल तब तो बॉल जो जाएगी ना दूसरी तरफ लेकिन यहां पर ये नहीं हो रहा है कि क्रिकेट हो रहा है और जो न्यूक्लियस ने जो है वो मार दिया अल्फा पार्टिकल को चला गया ऐसा नहीं होता है एक्चुअली एक रास्ते एक, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर के रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उसे फिर वापस जाना पड़ता है ओके okay? अब इसी बात को यहां डायग्राम से दिखा रहे थे डायग्राम ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं बन सकता अब आपको आपने अपने माइंड में रख लिया ना न्यूक्लियस और एटम की बाउंड्री कितने का डिफरेंस होता है फाइव किलोमीटर एक यह तरीका बताने का दूसरा यह बता दो कि भाई जो न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज उसमें लाख टाइम का डिफरेंस होता है मीटर ये किसका रेडियस है एटम का अप्रोक्स रेडियस टेंथ पावर माइनस टेन मीटर और जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो अप्रोक्सीमेटली कितना है टेंथ पावर माइनस फिफ्टीन मीटर इस ऑर्डर का इस ऑर्डर का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इस ऑर्डर का साइज होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से एलिमेंट का कौन सा आइटम आपने लिया है इलेक्ट्रॉन okay? का, का मास बहुत कम होता है और भाई चार्ज तो सेम होता है प्रोटॉन के जैसा तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं देखना कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हम घुमा फिरा करके रदर रदर मॉडल में न्यूक्लियस का जो रिपल्शन होता है अल्फा पार्टिकल पर बस उसकी ही बात करते हैं हम जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर हम उसकी बात नहीं करते सी अगर ये ये जो अल्फा पार्टिकल है डबली पॉजिटिव जो अल्फा पार्टिकल है अगर वो क्लोज जाएगा न्यूक्लियस के तो रिपेल होगा लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्ट भी तो होना चाहिए परफेक्ट अट्रैक्शन हमेशा जो अल्फा पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन हमेशा होगा लेकिन बस आप एक बात बताओ यहां पर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है जो एटम का मेन मास होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है एटम का मेन मास न्यूक्लियस के पास क्यों होता है किसी के पास आंसर है चॉकलेट जीत जाओगे आप जल्दी बताओ तो एटम का मेन मास हम क्यों बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो एक्चुअल मास हमेशा आएगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन्हीं से एक्चुअली मास बनता है भाई एटम का मास जो एक्चुअली होता है वो किसकी वजह से होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन की वजह से शॉस मजा आ गया चैट बॉक्स में भर गया प्रोटोन न्यूट्रॉन बिल्कुल सही जवाब है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे कि क्लोज होता है बट न्यूट्रॉन ज्यादा हेवियर होता है हाँ कंपेयर टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है और हम ये कहते हैं डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर सकते हैं तो यहां जो स्पेशीज यहां जो न्यूक्लियस है इसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अगर आंसर पूछा जाए तो हमेशा अल्फा पार्टिकल पर अट्रैक्शन काम करता का। चुके इतना है इलेक्ट्रॉन का बट चूके न्यूक्लियस इतना मैसिव है न्यूक्लियस खुद मासिव होने की वजह से पॉजिटिवली पॉजिटिवली और चार्ज पार्टिकल देखिए अल्फा पार्टिकल के पास भी कुछ मास होता है तो अल्फा पार्टिकल के पास भी मास होता है अल्फा पार्टिकल फेस करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के, के अंदर उसकी वजह से भी कोई ना कोई डेविएशन होता है बट अभी जितनी डेविएशन रदरफोर्ड्स मॉडल में पढ़नी है वो बेसिकली किसकी वजह से पढ़नी है न्यूक्लियस की वजह से बाकी आपसे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रदर फोर्ड मॉडल में स्केटरिंग क्यों होती है आंसर है रिपल्शन की वजह से किससे रिपल्शन हुआ अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से तो क्या इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन नहीं होगा आंसर अट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा दैट के रिपल्शन दोनों वजह से हो सकती है बट चूंकि यहां पर साफ दिख रहा है कि जो रास्ता था अल्फा पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल उस रास्ते से क्या हो जाता है डेविएट हो जाता है है ना और जो डेविएशन है वो मेनली आएगा न्यूक्लियस की वजह से क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो वो क्या हो रहे थे अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे थे कुछ ऐसे हैं जो कि डिफ्लेक्ट होना शुरू हुए कुछ ऐसे जो 90 डिग्री से पास हुए 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए कुछ 90 डिग्री से ज्यादा से कुछ ऐसे भी हैं जो 180 डिग्री से तो ये जो डिफ्लेक्शन है 90 डिग्री वाला 180 डिग्री वाला वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो नहीं हुआ ये क्यों क्योंकि भाई ये तो ऐसा है कि रिवर्स गियर में जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल

तो अल्फा पार्टिकल जब अट्रैक्ट हुआ होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ तो यह भी हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरफ गया और उसको नॉकआउट करते हुए एटम से बाहर चला गया ये भी हो सकता है बट रदरफोर्ड ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने ध्यान दिया कि भाई यहां पर तो साफ दिख रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल्स बैक आए हैं तो पक्का है कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से आए होंगे है ना ओके अब ये डायग्राम हा इस डायग्राम में हम ये दिखाना चाह रहे हैं पहले तो यह बताया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए फिर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडर डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए कुछ फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि और ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स वन इन ट्वेंटी थाउजेंड बाउंसड बैक बाय नियरली वन एटी डिग्री अब ये एनसीआरटी का डेटा कहता है कि अप्रोक्सीमेटली वन इन ट्वेंटी थाउजेंड ऐसा होता है मोस्टली चले गए क्रॉस कर गए है ना कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ जो है हल्का डिफ्लेक्ट हुए कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए कुछ जो है और ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो है वो ट्वेंटी थाउजेंड में एक जो है फिर वन एट्टी डिग्री से वापस भी आ गए बहुत अच्छे अब यहां पर जो है आपसे बड़े मुद्दे की बात डिस्कस हो जाए तो अच्छा होगा पढ़िए तो क्या दिखाएगी अमीम में अल्फा पा ओ सॉरी 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 मजे के टाइम पर जो गड़बड़ हो गया अल्फा पार्टिकल चले थे अपनी तरफ अपने गोल्ड गोल फाइल की तरफ तो चले थे जा रहे थे बस मूवी बहुत हेवी थी मूवी देखना मत बहुत हेवी मूवी थी बहुत ज्यादा सीरियस और जब वो रास्ते में जो है न्यूक्लियस से टकरा गए तो हालात इनके ऐसे हो गए ओके दिस वाज जस्ट टू

रीजन इन द एटम सही है भाई एज ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स डेविएटेड अच्छा ज्यादातर तो पास कर गए एंडिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे हैं जो, जो कि डेविएट हुए हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो डेविएट हुए इसीलिए ये कंक्लूड किया रदरफोर्ड ने कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट जो एटम के अंदर है वो छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होगा 10 टू द पावर -15 मीटर वाले रेडियस में है ना तो बहुत ही स्मॉल रीजन में री स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम बिल्कुल एक लाख गुना द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अस्कुलस द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज टेंथर माइनस मीटर एंड दैट ऑफ एन एटम इज अबाउट टेंथ पॉर माइनस टेन मीटर जो आपको बता दिया तो अब फाइनली रदरफोर्ड ने अपना एटमिक मॉडल बताया रदरफोर्ड को रुलाने का काम तो बोर भैया करने वाले बट मैं भी करने वाला हूं आज बताया तुमने

न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ अब सुनो यहां पर ये जो पॉइंट है सेम पॉइंट तो बोर में भी आया है फिर डिफरेंस क्या है कहा यह जा रहा है कि अपनी तरफ से रदरफोर्ड ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पक्का ये काम कर रहा है ये काम कर रहा है ये काम कर रहा है कुछ और ही काम हो गया हाँ वापस आ गया तो रदरफोर्ड ने बोला कि ये काम हो रहा है ठीक है बट रदरफ को लोगों ने कर दिया रोस्ट वो रोस्ट नहीं जो मैं करने वाला हूं वो अलग है वो एज अ केमिस्ट्री टीचर करने वाला हूं तो रदर फोर्ड को लोगों ने कैसे रोस्ट किया उसी समय पे जब रदर फोर्ड की रदर फोर्ड ने ये मॉडल बनाया उसी समय पर मैक्सवेल की थ्योरी आई मैक्सवेल की थ्योरी आई हुई थी कि अगर कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जैसा इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस है पॉजिटिवली uh, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज तो मैक्सवेल ने यह थ्योरी बताई कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा रोटेट रिवॉल्यूशन uh, में रहेगा जैसे इलेक्ट्रॉन है यहां पर तो उस पार्टिकल ने एनर्जी रिलीज करनी है पक्का तो अगर सेम थ्योरी मैक्सवेल की यहां लगाई जाए तो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो स्पाइरल पाथ को फॉलो करके स्पाइरल पाथ को फॉलो कर, करके टो स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते ट्यो कहां गिर जाएगा न्यूक्लियस में गिर जाएगा न्यूक्लियस में गिर जाने का मतलब कि न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि लगातार एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो एटम को स्टेबिलाईज नहीं कर सकता अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से तो कहानी खत्म हो जाएगी एटम तो स्टेबल होता है एटम स्टेबल होता है तब भी तो हम भी जिंदा हम भी तो एटम से भरे पड़े हुए हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पॉलीमर हैं हम एटम से भरे पड़े हुए हैं हर मटेरियल पार्टिकल एटम से भरा पड़ा हुआ है तो एटम तो स्टेबल होता है अगर मैक्सवेल की थ्योरी लगाएंगे तब तो स्टेबिलिटी खत्म स्टेबिलिटी स्वाहा ऐसा तो होना नहीं चाहिए तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं कर पाए आंसर मिला कहां था बोर्स मॉडल में

इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़ा होगा बट जो आंसर आना चाहिए था मैक्सवेल की थ्योरी का जो ऑब्जेक्शन था उस पर कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं आ पाया आई होप कि हमने जो लिमिटेशन रखा हुआ है उसमें आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी देखिए हमने बताया आपको अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल की थ्योरी आई थी उसी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एक्सलेशन अराउंड एन अपोजिट चार्ज अगर कभी चार्ज पार्टिकल को रिवॉल्व करते हुए पाएंगे और उस रिवॉल्यूशन से आप एक्सेलरेटेड पाएंगे तो एक्सेलरेशन ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन अराउंड एन एक्सेटली चार्ज इट रेडिएट्स एनर्जी एंड कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दस विल लूज एनर्जी दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इन रदर फोर्स मॉडल शुड लूज एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होगा रदर फोर्स मॉडल में उसे एनर्जी लूज कर देना चाहिए और स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए कोलैप्स कर जाना चाहिए 10 10 कहानी खत्म हो जानी चाहिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्स एंड देयर एनर्जीज रदर फोर्ड के ड्रॉबैक में ये दूसरा ड्रॉबैक है जिसमें बताया जा रहा है कि एटम जो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम बताया रदर फोर्ड ने उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वेलोसिटी क्या है मोमेंटम क्या है इन सब से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं हो पाया और बाकी मैक्सवेल ने तो इनकी बैंड बजा दी मैक्सवेल ने जब थ्योरी दी तो वो थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो रदर फोर्ड मॉडल है उसके पास आंसर नहीं था है ना ओके तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास बिल्कुल सही वक्त आ चुका है बोर्स मॉडल पढ़ने का बट जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ना कुछ मसाला होता है अभी का मसाला क्या है टीचर्स स्टार्ट टीचिंग रदर फूड मॉडल आप क्या जवाब देते हैं स्कूल की टीचर जब रदर फूड मॉडल स्टार्ट करेंगे तो आप यही बोलने वाले हैं अरे हम तो सब जान चुके हैं रदर फूड मॉडल में जो है वो क्या क्या लोचा था सब जान चुके हैं <laughs> वैसे आपको बता दे कि इस मीम में जो ये जो लाइन है मुझे पता है कि सब झूठ है ये एक्चुअली पूरी तरह से सही नहीं है ये तो बस रोस्ट करने का आइडिया है ना ये आपके स्कूल की टीचर बोलेंगे और ये आप होंगे जो जवाब देंगे मी ऑलरेडी लर्न ऑन विदाम तुझे ही। <laughs> तो ठीक है रदर फोर्ड्स मॉडल की इतनी सारी जो बातें थी हम बोर्स मॉडल पे जाने वाले हैं तो आपको तो लगेगा आप तो का थ्योरी नहीं दी होती तो हम आगे आगे आइटम से रिलेटेड बातें हम नहीं कर पाते जे जे थॉमसन ने जो बातें बोली थी उससे इंटरव्यू होकर के उससे इंस्पायर होकर के लोगों ने और काम किया रदर फोर्ड ने फिर ये काम किया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर के और बोर ने अच्छा काम किया बोर के वर्क से इंस्पायर होकर के लोगों ने और अच्छा काम किया तो टाइम के साथ साइंस में और भी बेटर काम होते जाता है है ना ये नहीं कहना चाहिए कि उसने गलत किया था उसको ऐसे गलत, गलत साइंस में गलत सही नहीं होता है साइंस में गलत सही नहीं होता है साइंस में टाइम के साथ आप खुद को ही गलत होते हुए पा सकते हो आप रिसर्चर हो हो सकता है आज जो आपने सोचा आज से पाँच साल बाद आप कुछ और ही सोचोगे

12, 11, 12 के हिसाब से टी में आओगे तो ने इसी तरह के डायग्राम बताए हुए होपफुली जो जो मैंने आपको एनिमेशन वाला दिखाया था वीडियो वो शायद आपको अच्छा लगा होगा एक बार मेरे लिए तो बोलोगे नहीं आप लोग लव लव यू यू दोस्तों दोस्तों एक बार तो बोल देना चाहिए बोलो ना और ये बातें सारी एनसीआर से भी पढ़ लेना वही सारी बातें बट बुक को छोड़ना नहीं है ना और मैंने यहाँ पर बुक का पार्ट इससे लगाया हुआ क्योंकि आपको ये ना लगे कि कुछ ज्यादा डिफरेंट या अलग है वही देखो रेडियस ऑफ आइटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वही ट्वेंटी थाउजेंड वाली बात दिखाई देगी तुमको ट्वेंटी थाउजेंड में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सर अस्सी डिग्री में वापस जाएगा तो पक्का वही सब बातें होती है अब यहां पर जो रदर फोर्ड्स मॉडल की जो वो बातें हैं जो नहीं जानते थे आप और अभी अब ऐड होनी है फटाफट सुनना रदर फोर्ड्स मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ये चीजें ना आपने देखी भी नहीं होती और वो अब जरूरी है फटाफट देख लो लोटिकलेशन तो है, बट किसी भी थियोरी को थियोरी नहीं मानता है जो हर सब सारी चीजों को प्रूफ करती है मैथमेटिक्स को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ गॉड क्योंकि भाई भगवान की तरफ से हर चीजें फिक्स और प्रूफ होती है वो मैथ्स का काम है, है ना? तो यार के ना ये जो language of universe है, जिसके जो theorems है, जो rules है हैं हैं हैं, हैं। वो किए किए जाते प्रूफ जाते है। से आपको प्रूफ करना पड़ता। कोई भी अगर आप ऐसा scientist देते हो तो। तो ने क्या क्या बताया सुना ध्यान से रदरफोर्ड ने ये अच्छा, ये अच्छा सारे लोगों को पता है कि आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं एटमिक मॉडल बनाते और एटम जो होता है वो थ्री होता है एटमिक वेल होता है पता है ना सब ओके और यहां से यहाँ के डिस्टेंस क्या है ये जो गैप बना रहे हैं ये अच्छी ड्राइंग नहीं है ये जो गैप है वो एक लाख गुने का है है ना एक लाख गुना <laughs> यहाँ जो डिफरेंस होता है वो वन लाख टाइम्स का होता है अगर ये आपकी क्रिकेट पीछ है तो ये पांच किलोमीटर फाइव किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है तो इमेजिनेशन हमेशा रखना नोके छोटा सा और बाउंड्री बहुत बड़ी है आइटम की अब यहां से अल्फा पार्टिकल भेजा आपने अल्फा पार्टिकल चली गई अनस्कैटर्ड क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम ठीक है यहां से सपोज दैट आपने जो टोटल अल्फा पार्टिकल भेजना है ना उस टोटल अल्फा पार्टिकल का सपोज दैट नंबर है एन सो इज इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो भेजा गया है अब सपोज दैट पीछे स्क्रीन लगी हुई है जेड एन एस की स्क्रीन लगी थी पीछे है ना और ये हमारा ओरिजिनल पाथ है ये न्यूक्लियस वाला इसे हम क्या बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन ओके हेड हेड ऑन ऑन वाला रास्ता अब कोई अल्फा पार्टिकल सपोज तरह से आता है और ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, स्क्रीन यहां रखी है और जेडेन स्क्रीन पर यहां जाकर, यहां जाकर स्ट्राइक करता है। मैं उसे रेड से दिखा दूं मैं इसे रेड से दिखा कि यहां पर मैंने रेड से मार्क कर दिया ठीक है सो ये अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट किया ना तो इस एंगल को हमने कहा थीटा और इस रास्ते को अपनाने वाले इस एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले इस एंगल से इसे हम क्या बोलते हैं थीटा डिफ्लेक्शन एंगल स्कैटरिंग एंगल इज अ बेटर लैंग्वेज स्कैटरिंग एंगल मतलब दैट एंगल बाय विच वो अल्फा पार्टिकल दैट अल्फा पार्टिकल बीन स्कैटर्ड सो जितने अल्फा पार्टिकल इस रास्ते जाएंगे ऐसा तो नहीं एक जाएगा और भी गए होंगे सो so, जो भी अल्फा पार्टिकल इस एंगल से जाए इस एंगल से डिफ्लेक्ट हुए इस रास्ते गए और इसी एंगल से डिफ्लेक्ट हुए उन सारे अल्फा पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं एन थीटा वट इज एन थीटा नाउ सी अगर आप एन बोलोगे सुनना ध्यान से अब यहां पर ये इलेवंथ वाला पार्ट अटैच हुआ अभी तक तो बड़ी मस्ती मार रहे थे आप ओहो आ रोड हमने तो रोस्ट कर दिया आप खुद ही रोस्ट हो जाओगे ध्यान से नहीं सुनोगे तो है सुना एन इज वॉट एन इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हमें भेजे गए टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सोर्स जो सोर्स से आए ठीक है एन थीटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड कौन से एंगल पर थीटा पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा ये एन और एन थीटा क्लियर है एन और एन थीटा क्लियर है मुझे बताओ फटाफट कितने लोग जान चुके हैं एन थीटा क्या है एन क्या है फटाफट बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट एन थीटा क्या है फटाफट चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा एज नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। के साथ ऑब्जर्वेशन नहीं आ पाता जिन्होंने तो इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड क्या दोबारा लिखना पड़ेगा अरे मैं दोबारा लिख दे रहा हूं नंबर पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल एट एन एंगल थीटा कौन से एंगल पर थीटा पर एन इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि सोर्स से आपने भेजा था ठीक है टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो सेंड किया गया था सोर्स से एफ क्या है एफ इज एन थीटा बाई एन एफ को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। दिखा? ये, ये नहीं नहीं फोकल बदमाशी नहीं करनी वो फोकल <laughs> अल्लू अर्जुन लग रहा हूं आज मैं अल्लू अर्जुन लग रहा हूं ना अल्लू अर्जुन के जैसे ही जो हम कर सकते हैं <laughs> बड़ा मन करता है मेरा भाई अल्लू अर्जुन का जो डांस हमने देखा बुट्टा बाबा में ओहो अलग ही लेवल पे फैन हो गया तो f इज फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा ये देखो किसने लिखा लल्लू अर्जुन मेरे ऐसे भी दोस्त हैं वो रोज चढ़ने का मौका नहीं छोड़ते हैं अरे थोड़ी तारीफ क्या करूं? लेक्चर के बीच में रोज नहीं करते लेक्चर के बीच में प्यार 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 ओके चलिए अब जबकि आपको एन थीटा एन और एफ पता है अब होती है काम की बात क्या है काम की बात रदर फूड ने यह पाया ये जो एन थीटा है ये थीटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है जरा सोचिए क्यों क्यों हुआ ऐसा ये देखिए क्यों हुआ ऐसा रीजन ये है रीजन ये है रीजन सुनिएगा ये मान लीजिए है है ना और यह अल्फा पार्टिकल है जितना दूर से जाएगा उतना ही कम डिफ्लेक्शन दूर से गया रिपल्शन कम फेस किया चला गया वाह क्या बनाया देखिए ना नीचे स्क्रीन कम पड़ गई तो घुमा दिया <laughs> लग रहा है कि अंडे जैसा बन गया ओके okay, तो इस अल्फा पार्टिकल ने काफी दूर से क्रॉस किया कोई रिपल्शन नहीं एक अल्फा पार्टिकल क्लोज गया और क्लोज गया तो रिपल्शन फेस किया एक अल्फा पार्टिकल और क्लोज गया तो और रिपल्शन फेस किया एक और है और क्लोज गया और रिपल्शन फेस किया ठीक है अब मुझे बताना ये वन टू थ्री एंड फोर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि अगर मैं हर जगह के हर जगह के जो अल्फा पार्टिकल है कितने अल्फा पार्टिकल पहले रास्ते से गए कितने अल्फा पार्टिकल के साथ ये दूसरे वाले के जैसा काम हुआ कितने के साथ थर्ड वाले के जैसा काम हुआ और कितने के साथ फोर्थ के जैसा काम हुआ अगर मैं ये काउंटिंग करूं और मैं नंबरिंग लिख दूं। एन फर्स्ट 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 वाला तो अनडिफ्लेक्टेड है बट मैंने उसको एन थीटा वन कर दिया ठीक है फिर सेकेंड जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए एन थीटा टू कर दिया इसी तरह से थर्ड वाले के लिए एन थीटा थ्री और फोर्थ वाले के लिए एन थीटा फोर कर दिया और पूछा कि ये बताओ कि पहले तो एन थीटा वन थीटा टू थीटा थी, थीटा फोर बता क्या रहे आपको कहना है बट स्टिल चूंकि जब जब हम एन थीटा लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा चाहे वो थीटा जीरो हो चाहे नाइनटी हो चाहे वन एटी हो तो एन इज़ नंबर से पास करने वाले का नंबर कौन है? N बोल दू. मतलब, कि जितने अल्फा पार्टिकल क्रॉस वे और फर्स्ट रास्ते से गए तो उन अल्फा पार्टिकल के नंबर को हमने एन वन बोला जितने सेकेंड रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे जितने थर्ड रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एन थ्री बोला और जितने फोर्थ रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एन बोला आपको बताना है ये जो नंबर है एन वन एन टू एन थ्री एन फोर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग बताना बताना है कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं मतलब किसका नंबर ज्यादा है फर्स्ट रास्ते से जाने वाले का सेकेंड रास्ते से जाने वाले का थर्ड रास्ते से जाने वाले का या फोर्थ रास्ते जाने वाले का और सबका एक ऑर्डर बताना है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा यस डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखा मुझे चैट बॉक्स में आग लगाई लोगों ने सी डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है दोस्त डिक्रीजिंग ऑर्डर ये लॉजिक बताओगे क्योंकि अब टफ पार्ट है ये यहां पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, ये सब आसानी से नहीं होता बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होता है तब समझ में आता सी दिस इज द करेक्ट क्यों करेक्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों होगा वो क्यों क्योंकि भाई ये तो थ्योरी थ्योरी से ही पता है रदरफोर्ड ने बताया ज्यादातर मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जाते हैं और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ही नंबर कम होगा क्यों बताओ क्यों क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी तो ज्यादातर तो ज्यादातर ज्यादा जो एटम का पार्ट है वो तो खाली है तो जितने भी अल्फा पार्टिकल मैं फेंकूंगा चूंकि खाली है स्पेस तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल खाली स्पेस से जो वैकेंट स्पेस है जो जो भी स्पेस एम्पटी स्पेस है उससे क्रॉस करेगा मैं जितने अल्फा पार्टिकल फेंकूंगा वो ज्यादातर जो है वह एम्पटी स्पेस से पास करेगा जस्ट इमेजिन जो डार्ट बोर्ड होता है डार्ट बोर्ड में जो बिल्कुल सेंटर होता है वहां पर अपने उस डार्ट को फेंक पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है होता है ना वो जो हम फेंकते हैं जो लोगों की फोटो लगा करके सेंटर में फेंकते हैं तो डार्ट बोर्ड में सेंटर पे फेंक पाना अपने डाट को बहुत मुश्किल होता है ज्यादातर समय डाट जो है वो दूसरे स्पेस से जाता है सेंटर से होकर के जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा है तो जब न्यूक्लियस बहुत छोटा है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल दूर से जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे बट क्लोज जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती न्यूक्लियस के क्लोज जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होगी सबसे कम एटम सबसे कम न्यूक्लियस

अगर हम कहेंगे कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर द कर दिया ना गड़बड़ काली नजर लगाई किसी ने हाँ यहां है भाई साहब जब वहां नहीं होते तो यहां पर होते इरेजर देखिए तो ऐसे लिखना है ना आपको थीटा वन इज स्मॉलर है ना थीटा वन लेस देन थीटा टू लेस देन थीटा थ्री थी लेस देन थीटा, थी थीटा फोर सबसे बड़ा कौन था थीटा फोर तो थीटा बढ़ रहा है जो नंबर अल्फा पार्टिकल है वो छोटा होते जा रहा है जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ाओगे उतना अल्फा पार्टिकल कम होते जाएंगे ये ऑब्जर्वेशन याद रखना है डन अब नेक्स्ट पर आइए सी एन थीटा वाला तो एक पॉइंट हो गया बट जो फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एफ दिखाया था ना अभी पिछले पेज पर एफ क्या था बताओ रेशियो था एन थीटा और एन का तो ये रेशियो था एन थीटा और एन का इसे ध्यान में रख जाओ रदरफोर्ड ने यह पॉइंट बताया फॉर्मुले का कि जो फ्रैक्शन पार्टिकल है किसके, थिकनेस के किसके थिकनेस के जो, जो का थिकनेस है कोई जरूरी नहीं कि गोल्ड फॉइल हो कोई और भी फॉइल हो सकता है और फॉइल की डेंसिटी के भी अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एफ मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं लैंग्वेज बना के लिख देता हूं लैंग्वेज बना करके लिख देता हूं देखो एफ शॉर्ट में आप समझ जाओ कि एफ जो है ना वो एन थीटा की जगह पर क्वेश्चन में एफ भी लिख सकते हैं अगर आप इतने से परेशान हो रहे हो तो यहां पर आपकी कैपेसिटी चेक हो रही है एटमिक स्ट्रक्चर में अब आपको फील हो रहा है इलेवेंथ में आगे भैया यहां तो छुटका आ रहा नहीं बजाय तो यहां तो मैथ्स आ गई भाई ये होगा बीच बीच में मैथ्स आएगी अपना रुख दिखाएगी बट आपको बताना है कि चाहे मुश्किलें हों चाहे फिर कितनी भी तकलीफें हों मैं तो वैसे ही मजबूत हूं है ना चाहे मुश्किलें अगर मुश्किलें ना हो अगर ना हो तकलीफें तो क्या ही मजा है जीने में बड़े से बड़ा तूफान थम जाता है अगर आग लगी हो सीने में तो सोचना क्या है लगाओ आग हम और हम जो है आग को पकड़ कर रखेंगे हम नहीं हारने वाले एफ और एन थीटा अक्सर देखिए आपकी कैपेसिटी चेक करने के लिए आपको तंग करने के लिए अक्सर नोटेशन चेंज किए जाते हैं बट फ्रैक्शन वही बताता है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स टोटल अगर मैंने ट्वेंटी थाउजेंड सपोज दैट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल बताया था है ना कि NCRT ने भी ये डेटा दिया हुआ है कि आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है बेचारा जिसकी किस्मत में एक सौ अस्सी डिग्री से वापस आना लिखा होता है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन क्या हुआ यहां पर आप क्या फ्रैक्शन लिखोगे एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक सौ अस्सी डिग्री पर से वापस आया है और आउट ऑफ कितने में से आपने कितने भेजे थे तो 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 उसका क्या क्या लिखा गया F equal to one by ये एक एक तो एक अल्फा 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 पार्टिकल 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 अगर मैं जो जो पे वापस आएगा, तो fraction क्या हुआ? एक जो वापस आएगा हुआ आया और भेजा कितना था ट्वेंटी पार्टिकल कमिंग बैक और स्कैटर्ड बाई वन एटी डिग्री अब आई बात समझ एफ क्या बताता है अल्फा पार्टिकल्स का वो फ्रैक्शन जो थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो गया है जो थीटा एंगल से हो गया है तो हमें हम अगर ये भूल भी जाए ये भूल भी जाए कि भाई एफ को हम इस तरह से निकालते थे तो कम से कम ये तो याद रखो कि जैसे जैसे तुम थिकनेस बढ़ाओगे जैसे जैसे गोल्ड फाइल की थिकनेस बढ़ाओगे जो स्कैटरिंग है वो बढ़ जाता है हम एफ को इसीलिए शॉर्ट में सिंपली ये भी बोल देते हैं स्कैटरिंग ज्यादा स्कैटरिंग ज्यादा स्कैटरिंग करवानी है मुझको तो एक काम करो ज्यादा स्कैटरिंग कराने का मतलब होता है ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि अगर अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा तो उसको स्कैटरिंग में काउंट नहीं करेंगे तो जो स्कैटरिंग है उसको बढ़ाने का एक तरीके थिकनेस बढ़ा दो थिकनेस बढ़ाने से क्या होता है अगर मेरे पास ऐसा ये फॉइल है और इसमें अभी जो भी थिकनेस है सपोज दैट ये 100 नैनोमीटर की थिकनेस है इसकी और इसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ एटम्स आ रहे हैं अगर मैं इसको थिक करूंगा 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर कर दूंगा तो और भी ज्यादा एटम्स आ जाएंगे क्योंकि थिक करने का मतलब ही क्या होता है अगर मैं किसी मेटालिक स्ट्रिप को थिक कर रहा हूं दैट मीन और भी एटम्स उसमें मिल रहे हैं थिकनेस बढ़ रही है और ज्यादा एटम्स आ रहे हैं और ज्यादा लेयर्स ऑफ एटम्स एड हो रहे हैं दैट मीन्स के थिकनेस बढ़ रही है तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे, हैं। तो जब, जब कभी भी आप रहे हो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा रहे हो और न्यूक्लियस आएगा तो रिपल्शन और ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी अगर मैं बोलू रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा आप बोलोगे स्कैटरिंग ज्यादा होगी स्कैटरिंग कब ज्यादा होगी जब रिपल्शन ज्यादा होगा स्कैटरिंग कब ज्यादा होगी जब रिपल्शन ज्यादा होगा स्कैटरिंग ज्यादा करना है एन ज़्यादा होगा एफ ज्यादा होगा सब एक ही पर है. है, मतलब अब डिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन था रिपल्शन अगर मैं थिकनेस बढ़ाऊंगा नंबर बढ़ेगा रिपल्शन बढ़ेगा तो अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा सेम डेंसिटी बढ़ाने का भी वही मतलब है डेंसिटी बढ़ाने का भी मीनिंग वही होता है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दिए रिपल्शन करने के लिए तो थिकनेस ऑफ फॉइल और डेंसिटी ऑफ फॉइल जो स्कैटरिंग है दोनों के प्रोपोर्शनल होता है और अगर आपने अल्फा पार्टिकल को बहुत एनर्जी से भेजा है बहुत ज्यादा एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा दी अगर अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो अगर हमें एनर्जी ज्यादा होगी तो सामने से कोई रुकावट आएगी जैसे कोई गाड़ी है कोई कार है अगर ज्यादा एनर्जी ज्यादा स्पीड में रहती है तो वो बैरियर्स को तोड़ते हुए निकल जाती है है आपने देखा अक्सर बॉलीवुड मूवी में अक्सर तो ये दिखाते हैं हॉलीवुड तो छोड़ दीजिए तो अगर ज्यादा एनर्जी के साथ आप अगर अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे ना तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो एटम का रिपल्शन फेस करेगा या नहीं करेगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एटम का रिपल्शन भाई एटम का रिपल्शन अपने आप कम हो जाएगा या यूं कहो कि उस अल्फा पार्टिकल के पास पहले से इतनी एनर्जी है कि अगर आपने उसके सामने बैरियर रख भी दिया है तो वो अपनी एनर्जी की वजह से वो बढ़ता चला जाएगा हमेशा जब जब आप काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करोगे डिफ्लेक्शन हमेशा कम हो जाएगा डिफ्लेक्शन कम करने का बड़ा अच्छा सा रास्ता मिल गया हमें तो तो काइनेटिक एनर्जी के इनवर्स है बट काइनेटिक एनर्जी के सिंपली इनवर्स नहीं है काइनेटिक एनर्जी के एक्चुअली स्क्वायर के इनवर्स है काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के है ना वैसे मैं ये चाहूंगा कि आप थिकनेस और डेंसिटी वाले पे ध्यान दें ये आपसे ज्यादा पूछ सकते हैं ये सब नहीं पूछने वाले ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये रदरफोर्ड का अपना ऑब्जर्वेशन अब एक बात और ऐड कर दे जो आपने थीटा वाला पॉइंट देखा टोटल फोर पॉइंट्स मैंने बताए जो थीटा वाला पॉइंट आपने देखा ना उस थीटे वाले पॉइंट के बारे में कुछ बता रहा हूं सुनना फॉर्मूला पब्लिश किया तो उन्होंने अब ध्यान रखना नोटेशन से गड़बड़ाना नहीं मैं एक काम करता नोटेशन भी यहां पर लिख देता हूं सो देट के आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो जो आप रिवाइज करो तो आपको दिख जाए देखो जब सारे लोगों को साइन थीटा थीटा के बारे में नॉलेज है है ना रदर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया जो फॉर्मूला निकाला उसमें सिंपली थीटा के साथ जो है ना हमने जो रिलेशन दिखाया था एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा ये जो पार्ट है वो आपके समझने के लिए आपको याद रखने के लिए आसान करके बता दिया बट जो रदरफोर्ड ने रियालिटी में जो फॉर्मूला निकाला हुआ है वो फार्मूला ये है थीटा के साथ रिलेशन एफ थीटा और एन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो यहां पर एफ थीटा की जगह पर एन थीटा भी लिख सकते हैं इसी को शॉर्ट में आपको इस तरह से लिख करके देते हैं कि इसका मोटा मोटा मीनिंग ये है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड है और जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है इन दोनों में इनवर्स का रिलेशन होता है एंगल जितना बढ़ेगा स्कैटरिंग का जो काउंटिंग है वो कम होते चली जाएगी अल्फा पार्टिकल ज्यादा दिखाई देगा कम एंगल से डिफ्लेक्ट होता हुआ और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग कम हो जाएगी दैट के जो स्कैटरिंग एंगल है और जो अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है एट दैट एंगल हमेशा इनवर्स होते हैं एंगल बढ़ाओ अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग में कमी आ जाएगी सबसे कम कब दिखाई देता है अल्फा पार्टिकल जब 180 डिग्री से वापस आने की बात होती है 20,000 में से 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल वापस आता है ठीक है मैंने बातों को बहुत बार रिपीट किया है आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इतने में याद हो जाएगा ये पार्ट सच में रदर का अब जो इलेवेंथ में एड हुआ वो मजेदार है वो फॉर्मुलेटेड है वो मैथमेटिकल है यहां पर एक बार फिर से लिख दिया जाए भाई एफ थीटा क्या है पिछले पेज पे वैसे मैंने लिख दिया है फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड स्कैटर्ड एट एंगल थीटा ओके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला टॉपिक है बट इससे पहले मैं आपसे पूछ लू कि मुझे चैट बॉक्स में आंसर कुछ मिल जाएंगे जल्दी से मुझे बताओ जल्दी या फिर क्यों ना क्वेश्चन दे ही देते हैं है ना डी है ब्लैंक स्लाइड नहीं भी होगा तो हम ऐड तो कर ही लेंगे ऐड कर लेते हैं। सो देट के थोड़ा मजा आ जाए मतलब जब तक हम आप से सॉल्व नहीं करवाएंगे ऐसा मजा नहीं आएगा ना है ना सो वाई नॉट एडर यस सो लेट एस क्वेश्चन आप बस ये बताओगे कौन कौन सा रिलेशन जो है वो सही है ठीक है ब्लैक से लिख लेते हैं अपन। हाँ अरे कहाँ रख दिया पेन ओके, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कौन कौन से रिलेशन सही है मल्टीपल करेक्ट एक से ज्यादा होंगे फटाफट पहला वाला सही है फर्स्ट वाला गलत Inverse होना चाहिए ये सही है? बिल्कुल सही है, है, है है बिल्कुल और N -theta directly proportional होते हैं N -theta भाई N -theta ओ भाई होता साहब सबने, के भाई, एनर्जी है, एनर्जी हो गई है। मेरे दोस्तों की एनर्जी मुझसे ज्यादा है लव यू लव यू सो मच लव यू सो मच लव यू सो मच गेमर्स अतुल प्रगति रोनित साइंस प्रिया वीणा आदित्य अतुल ओ भाई साहब लव यू ऑल मेरे दोस्तों क्या बात आ तो सच्चे दोस्त निकले मेरे क्या बात है क्या बात है दिल कुछ कर दिया अब ग्राफ वाले पार्ट को कौन बता रहा है सही है कि गलत है एक्चुअली जब जब किसी दो क्वांटिटी के बीच में इनवर्स का रिलेशन आएगा सपोज दैट एक्स और वाई के बीच में इनवर्स का रिलेशन आता है वाई और एक्स के बीच में इनवर्स का रिलेशन आता है हमेशा उन दोनों के बीच में हमेशा हमेशा ग्राफ इसी तरह का आएगा इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ग्राफ का नाम भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है बोलते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ग्राफ का नाम भूल जाओ कोई बात नहीं है देखो ग्राफ हमेशा जो है अपने कॉमन सेंस से हम बना सकते हैं हमें पता है कि जैसे-जैसे थीटा बढ़ेगा एंगल बढ़ता है वैसे-वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग कम हो जाती है कम अल्फा पार्टिकल पाए जाते हैं ज्यादा एंगल पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल पाए जाते हैं कम एंगल पे ठीक है तो जो थीटा और थीटा है वो इनवर्स होते हैं तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे देखो अब थीटा बढ़ रहा है थीटा बढ़ रहा है जब थीटा बढ़ रहा है तो जो थीटा है वो कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम रहा है थीटा इधर बढ़ रहा है थीटा इधर बढ़ रहा है और थीटा कम होता जा रहा है जैसे जैसे थीटा कम होगा सपोज दैट मैं इधर जाता हूं थीटा को कम करता हूं देखो थीटा बढ़ रहा है थीटा बढ़ रहा है तो इनवर्स का रिलेशन है इनवर्स के रिलेशन में यही ग्राफ हमेशा आएगा पूरी केमिस्ट्री में तो ये भी सही है क्योंकि वो इनवर्स के रिलेशन पर है ये तो अभी तुरंत बताया था और जो डेंसिटी वाला पॉइंट बताया तो उसी डेंसिटी वाले पॉइंट को वर्ड्स में लिख दिया नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये भी सही था ये भी थोड़ी देर पहले बताया था डर है कितने लोगों का सही हुआ है बताओ सबको मिल रहा है ढेर सारा प्यार और काश के कभी आगे पार्टी हो तो एक पार्टी भी बनती है क्योंकि भाई रदर मॉडल तो अकेले इसी एक क्वेश्चन से सारे फॉर्मुलेशन एक साथ आ गए रदर मॉडल के या डन चलो वी कैन नाउ मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला पार्ट ये पार्ट में तो कोई एक्सप्लेनिशन ज्यादा की जरूरत नहीं है बड़ा आसान है बड़ा मजेदार है यहां पर बस आपको यह बताना है कि जिस किसी भी रेडिएशन का डिस्कशन होता है रेडिएशन के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो भी लाइट हम अक्सर जो यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अक्सर हम बात करेंगे किसकी फोटोन्स की तो फोटोन्स यहाँ से एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले पार्ट से हमें थोड़ा सा फोटॉन्स के कॉन्सेप्ट को जानना है और प्लैंग क्वांटम थ्योरी समझनी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि नॉर्मल लाइट जो होती है ऑर्डिनरी लाइट वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज प्रोड्यूस करता है हर चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है कोई दूसरी वेव है तो दैट कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड और मैग्नेटिक दोनों साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को अक्सर हम ऐसे ई e से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अक्सर बी से दिखाते हैं ऊपर में एक वेक्टर डालते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं जिनके पास डायरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रो से ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड ती आएगा एक ऐसा रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट होते हैं अक्सर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो अगर मैंने इस वाले को ब्लू वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो अपने आप जो पिंक वाला है वो क्या बन जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट हमेशा होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सपेरिमेंटली द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वही बात जो मैंने बताई ठीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है आप बताओ मुझको एक ऐसा रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट होंगे डन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सारे रेडिएशन ऐसे नहीं होते अच्छा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो रेडिएशन है उनमें कुछ खास बात कोई रिलेशन बिल्कुल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को एक दूसरे के उसी को यहां पर इस डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश है बट जो पिछला डायग्राम था वो और भी ज़्यादा मजेदार था अच्छा वेव के बारे में सबको पता है ये जो ट्यों 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 जो चलते हैं जो ट्यो ट्यों आजकल तो रील पर डांस भी होता है यू ये जो वेव मोशन है इस वेव मोशन की मजेदार बात क्या है वेव मोशन की मजेदार बात ये है कि बनाने में बहुत मजा आता है है ना आप तो ये बोलोगे बट हमने इसे देखा भी है है ना बहुत सारे जगह पर देखा है कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर के वेव मोशन जो है कोई ऐसा खेल बताओ जिसमें कि आप वेव मोशन प्रोड्यूस करते हो सारे लोगों ने तालाब में नदी में कभी तो कभी तो पत्थर फेंका होगा है ना रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो प्रोपोगेट करते हैं वेव मोशन की वजह से है ना और अगर कपड़े वगैरह कभी सुखाए हैं जो तो जिस रोप पर जिस रस्सी पर सुखाते हैं एक बार उस कपड़े को जो एक बार मैं तो कभी कपड़े को आराम से प्यार से हटाता ही नहीं। मैं तो हमेशा ऐसे ही हटाता हूँ मैं चाहता हूँ चलो मौका मिला वेव प्रोड्यूस करने का छोड़ेंगे नहीं, नहीं। भले ही उसके बाद जो पीछे से आकर के एक जो मोटा सा जो चप्पल पड़ता है मम्मी का क्या जब देखो तब जी हमेशा बदमाशी करना लेकिन मजा अपनी जगह पर है मम्मी की कुटाई अपनी जगह पर है इज ओके एवरीथिंग पार्ट ऑफ लाइफ चलता है तो ये जो दुनिया में सिर्फ मम्मी है जो कि कुटाई करती है तो अच्छा लगता है उसके बाद उसके अलावा किसी का नहीं है ना दुनिया में जो मम्मी है जो चाहे कुछ भी कर दे कितना भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब दिल पे तो नहीं लगता कभी भी है ना? That is yes. और मम्मी का सबसे बड़ा हथियार होता मतलब दुनिया में लोग कहते हैं कि बंदूक और तोप जो हथियार होती है हमसे पूछा हमें पता है कि सबसे बड़ा हथियार क्या होता है जिससे हमें डर लगता है वह चप्पल <laughs> तो क्या हुआ वेव मोशन तो आपने प्रोड्यूस कर दिया अब जो वेव मोशन आपने प्रोड्यूस कर दिया मम्मी ओपी तो वेव मोशन जो प्रोड्यूस कर दिया यहां पर पूछा जा रहा है ठीक है दोस्त वेव मोशन तो पता है तुम्हें बट बताओ तो सही कि वेव लेंथ क्या है तो वेव लेंथ ऐसा है ये जो ट्यों ट्यों आप जो कर देते हैं इसमें इसमें वेव लेंथ ऐसे डिफाइन होती है किसी एक हाइट से क्रेस्ट एंड ट्रॉप आपको बोलने आता क्रेस्ट एंड ट्रॉप मुझे नहीं आता क्रेस्ट एंड ट्रॉप सोचते हैं okay. ये जो क्रेस्ट तो बोल लेते हैं लेकिन जो ट्रफ है, बोलना है बहुत भाषण देता हूं जैसे एक बात बताओ आप इसे क्या पढ़ोगे अभी आप आगे क्लास इलेवंथ के एंड में और ट्वेल्थ में आप इस पे इससे बहुत पाला पढ़ने वाला है सारी दुनिया चिराल चिराल करेगी होता वो कायरल है तो यार हम खुद केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि यार अच्छे से देखो अच्छे से देखो टर्म्स को अच्छे से बोलना सीखो और फिर जो है खुद इंग्लिश में बैंड बज जाती है तो चलो जो भी है ये जो क्रेस्ट एंड ट्रफ है क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होगा वो वेव का लेंथ कहलाता है या फिर ट्रफ से ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा वो वेव का लेंथ कहलाता है ठीक है अब मुझे बताओ मैं अगर यहां से इस पॉइंट से हट जा भाई इस पॉइंट से यहां तक आपसे पूछू कितनी वेव्स वेव्स हैं, नंबर ऑफ बताओ, तो आपको पता है, एक वेव यहां से यहां तक है तो दो है? सही है बताओ मुझे रॉक yes, कर दिया लव यू मेरे दोस्त साइंस रॉक लव यू साइंस रॉक्स भाई साहब तुम्हें चॉकलेट नहीं मिला क्यों फील हो रहा है ऐसे मुझे ओके okay. दोस्त ले लेना चॉकलेट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारा मैसेज था जिसको कि नहीं मिला चॉकलेट और देखो मैं कितना ईमानदार हूँ मतलब तो चॉकलेट में भूलता नहीं हूँ तुम्हारा मैं हमेशा याद रखता हूँ किसकी चॉकलेट मिस हुई है आप ही भूल जाते हो आप ही जो है वो फिर याद नहीं दिलाते हो प्लीज़ अपना चॉकलेट ले लिया करो मुझ पर उधार रहेगा तो पाप आपने लगना है आपको लगना मुझे नहीं लगना है तो यार वेवलेंथ के बारे में पता है डन

कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है किसी 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 पॉइंट से पास कर रहे हैं जितने ज्यादा वेव्स एक सेकेंड में पास करेंगे किसी एक पॉइंट से हम कहेंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है अगर मैंने कहा किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका क्या मतलब है उसकी वेव्स किसी दिए गए पॉइंट से ज्यादा पास कर रही ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है सपोज दैट मैंने बोला कि ये पॉइंट है इस पॉइंट से केस वन में देखना सारे लोग केस वन और केस टू में आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कहां पर ज्यादा है तो मैंने बोला कि हंड्रेड वेव्स पास कर रहे हंड्रेड वेव्स पासिंग इन टू सेकेंड दो सेकंड में पास कर रहे हैं। ठीक है हंड्रेड एंड फिफ्टी वेव्स पास कर रही हंड्रेड एंड वेव्स फिफ्टी वेव्स पास कर रही है इन थ्री सेकेंड अब आप बताओ केस वन और केस टू में फ्रीक्वेंसी कहां ज्यादा है केस वन और केस टू में कहा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फटाफट फड़ बताओ फ्रीक्वेंसी कहां ज्यादा है किस केस में ज्यादा वेव्स पास कर रही हैं किसी दिए गए टाइम में जल्दी हाँ भाई आंसर इज सेम क्योंकि एक सेकेंड के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यहां पर फिफ्टी वेव्स क्रॉस कर रही है दिख रहा है 50 waves, 50 waves कर रही हैं पर सेकेंड तो अगर आप यहां हिसाब लगाएं तो 150 फिफ्टी बाई फिर से वही आंसर देगा 50 वेव्स पर सेकेंड पर सेकेंड डन है फिफ्टी वेव्स पर सेकेंड यस बिल्कुल सेम एज फिजिक्स क्लास टेंथ वाली तो हाई फ्रीक्वेंसी में साफ में समझ में आ जाता है कि ज्यादा वेव्स क्रॉस कर रही है किसी एक पार्टिकुलर स्पेस से पार्टिकुलर पॉइंट से बट अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो कम वेव्स पास करेंगी है ना अब मुझे बता दो रेडियो वेव्स और गामा रेज फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है कम होती है जल्दी बताना कितने लोगों को ये बात है पता थैंक यू थैंक यू गेमर्स एट लाख कंप्लीटेड यस पार्टी पक्का होगी ना एक्चुअली एट लाख हो जाना चाहिए था संडे तक वो हुआ नहीं मजा आया था संडे तक होता है। तो मैंने तो सबको बोल दिया था संडे तक एट लाख होने वाला मैं पार्टी दे रहा हूं मुंह मेरा छोटा सा हो गया संडे तक हुआ नहीं बट कोई थैंक यू सो मच कल हो गया ओके okay. तो भाई फ्रीक्वेंसी का फंडा समझ में आ गया एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इस वाले लेंथ को बोलते है ना ये भी पता है आपने एकदम सेम जैसा कि हमारे पहले जो आपने जो पढ़ा हुआ टेंथ तक में उसमें होता था ये रिलेशन कितने लोगों ने पता है वेव नंबर वाला भाई वेव नंबर इज नॉट एज सेम एज ज नॉट एज सेम एज नंबर ऑफ वेव्स दोनों डिफरेंट है ये अलग है देखिए वेव नंबर हम हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ वे, वे, वेवलेंथ को बोलते हैं जो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है उसे हम कहते हैं वेव नंबर लेकिन नंबर ऑफ वेव्स डिफरेंट है पता है नंबर ऑफ वेव्स तो हम जब काउंटिंग करते हैं वेव्स की तब बाहर आता है जैसे अगर मैंने यहां से यहां काउंट किया तो एक वेव मिलेगा मुझे या से अकाउंट किया तो एक वेव मिलेगा वो तो काउंटिंग है बट वेव नंबर वर्ड जो है ना उसको कभी कंफ्यूज ना कर जाना नंबर ऑफ वेव्स के साथ इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ रेसिप्रोकर ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं वेव नंबर ओके यस सो फॉर्मूले डन है यहां तक भाई ये चैप्टर बस एक ही मामले में थोड़ा सा दर्दनाक है कि फॉर्मूलेस वगैरह हैं बट जैसे एनसीईआरटी की आप जब एक्सरसाइज बनाओगे ना तो NCRT के एक्सरसाइज में एक बुरी बात ये है कि ऐसा फील होता है बट अच्छी बात क्या है में जो कैलकुलेशन होती है जेई के डेटा ऐसे दिए जाते हैं कि कैलकुलेशन बड़ी मस्ती में हो जाती है फसाते तो किस में है वो कॉन्सेप्ट में फसाते हैं तो ये सब परसेप्शन मत लेकर के चलना क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि स्टूडेंट जो है वो आपके दोस्त वगैरह जो ऐसे ऐसी बातें करेंगे यार यार स्ट्रक्चर नहीं होने वाला यार, नेगड़े 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 स्टूडेंट्स दोस्त आपके कैसे दोस्त नेगड़े दोस्त ये जो नेगड़े दोस्त है जो नेगेटिव माइंड वाले हैं इनसे दूर रखना है समझ रहे और कितनी दूरी बनानी बताना जरा सा मैं सुनना चाहूंगा अभी आपने इतनी सारी एटॉमिक मॉडल की थ्योरी पढ़ी है उसकी बारे उसके बारे में बताओ अगर आपका एक दोस्त

तुम लोगों के लिए स्पेशली अब तो मैं लिखने वाला वालों कविता अच्छा कितने लोगों को ये बात पता है कि नहीं कि मैं लिखता भी हूं भी लिखता हूं और मोटिवेशनल लाइन भी लिखता हूं कितने लोगों को पता है ये तो नहीं पता होगा इस मामले में आप लोग नुबड़े नूबो मैं बता रहा था ये अगर नेगेटिव माइंडसेट का बंदा है ना अगर ये नेगेटिव माइंडसेट का बंदा है तो इससे आपको दूरी उतनी बनानी है जितनी दूरी जितनी दूरी जो है वो रदरफोर्ड मॉडल में बताई गई अगर ये न्यूक्लियस के जैसे काम करेगा तो आपको इससे पांच किलोमीटर की दूरी तो कम से कम बनानी है। या एक लाख गुना डिस्टेंस पर रहना है बात समझो आज <laughs> यार मैं सोच रहा था कि आप थोड़ा सोचोगे बट आप बिल्कुल समझ गए अच्छा मॉडल के बेसिस पर आंसर करना है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, है दिल खुश कर दिया <laughs> मुझे पता था दोस्त ओ भाई साहब क्या बात है चलो ठीक है तो निगेटिव माइंड के साथ कभी नहीं रहना है है ना चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितना भी दर्द मिले हमेशा याद रखना है कि दुनिया वैसे ही लोगों का एग्जाम्पल याद रखती है हम खुद भी कभी भी बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि आपस में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं क्या निगेटिव माइंड सेट वालों का नहीं हमेशा इंसान दूसरे इंसान से जब इंस्पिरेशन लेता है ना तो उन्ही लोगों से इंस्पिरेशन लेता है जो लोग जैसे भी कंडीशन हो कितनी भी टफ कंडीशन हो उसमें फाइट करने की टेंडेंसी रखते हैं वैसे लोगों का ही एग्जाम्पल दिया जाता है सो so आपको वैसा ही बनना है है ना और मेरे दोस्त ऐसी जिंदगी ही क्या जिस जिंदगी में मैं दूसरों का मिसाल देते रह गया और खुद मिसाल ना बन पाया ऐसा कभी नहीं होना आपको दूसरों का मिसाल देना है दूसरों की मिसाल से सीखना है और खुद भी मिसाल बनना है, है ना यू हैव टू बी इंस्परेशन फॉर अदर्स ऑल्सो लाइफ ऐसे जीनी है कि दूसरों का इंस्पिरेशन बन करके इस दुनिया से जाना है अब जैसे कि प्लैंग्स की थ्योरी है प्लैंग भैया भी इंस्पिरेशन है क्यों इन्होंने क्या किया सारे दुनिया में लोगों ने बहुत सालों से जो रेडिएशन है जो लाइट है ऑर्डिनरी लाइट है उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश की बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आई एनसीआरटी में आप देखोगे एक थ्योरी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी उस पार्ट को मत पढ़ना जब मैं बोलूं एनसीआरटी के इस पार्ट का कोई रिलिवेंस नहीं है कोई काम नहीं है सच में उसे नहीं पढ़ना है ना तो एनसीआरटी खुद उससे कुछ पूछने वाली ना तो आपके जेई मेन्स में कुछ आने वाला ना तो वो किसी काम का है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं पढ़ना बिंदास क्यों कोई कामी का नहीं है वो मैं उसके पॉइंट्स अभी बोल दे रहा हूं सुन लो उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली जो रेडिएशन के कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए दी गई एक थ्योरी है उस थ्योरी का फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हैं क्लास आप पढ़ने वाले हैं जब आप हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा उसका फॉर्मूला तो वैसे भी चूंकि वहां पर फिजिक्स में आपको जानना है इसकी इंपॉर्टेंस यहां खत्म हो जाती है इस चैप्टर में से मैंने पहले ही बता दिया गया चैप्टर का वो टॉपिक काम का नहीं है मतलब कि कोई उसका आपको दिखाई नहीं देगा कोई एप्लीकेशन नहीं कि कभी पूछा जाएगा उसके एंसाइटिंग जबरदस्ती कैरी कर रही करना ही नहीं चाहिए और अभी जबकि इलेवेंथ में बच्चे नए नए भाई अभी तो पढ़ना हम शुरू करते हैं वैसी थ्योरी जो हाथ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उसका यूज नहीं है उसको हम क्यों पढ़ेंगे होना भी नहीं चाहिए बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी आई क्यों थी ये बताने के लिए ठीक वैसे ही जैसे कि एटमिक मॉडल में आप देख रहे हैं जेजे थॉमसन की थ्योरी आई उसके बाद रदरफोर्ड की आई रदरफोर्ड की थ्योरी और ज्यादा अच्छी निकली तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहले से एक ऐसी थ्योरी थी जो बताती है कि रेडिएशन किस फॉर्म में आता है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो थ्योरी थी इनकी तरफ से क्या बातें आती क्या बातें आई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ से क्या बात आई थी भाई कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो थ्योरी थी वो बताती थी कि लाइट लाइट जो एमिट एमिट होती है किसी सोर्स से रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होगी वो कंटिन्यूस होगी देखा कितना आसान हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन साढ़ी से पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा आपके दोस्त ने बिल्कुल आसान कर दिया क्या बताया भाई ये थ्योरी जो है वो पुरानी थ्योरी है रेडिएशन की नई थ्योरी ये है पुरानी थ्योरी क्या बोलती थी जो भी लाइट एमिट होगी रेडिएशन से वो कंटिन्यूस होगी कैसे होगी कंटिन्यूस इन्होंने क्या बोला आप जरा गेस करो इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि ना कंटिन्यूस नहीं आती है डिस्क्रीट फॉर्म में आती है भाई साहब नया अंग्रेजी वर्ड आ गया डिस्क्रीट क्या डिस्क्रीट डिस्क्रीट वर्ड क्या बोलता है प्लान ने बताया कि जो भी रेडिएशन जो लाइट के फॉर्म में एमिट हो रही है ना वो एक्चुअली पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है पैकेट 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 ऑफ एनर्जी क्या मेरे पास यहां पर कोई packet है? Packet हाँ, है ना पैकेट yes. यस ना पैकेट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है मतलब वैसे नहीं जैसे कि वाटर का वाटर का जेट वाटर जेट है कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई टैप से हो रहा है, है ना मैंने ओपन किया टैप और उसमें से टैप वाटर निकलने लगा कंटिन्यूअस ना no. लाइट टिन्यूस फॉर्म में नहीं आती रेडिएशन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता पैकेट्स के फॉर्म में होता है, होता है तो जब बोलेंगे तो अब बताओ रेडिएशन किस फॉर्म में होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं फोटॉन्स बोलते हैं अगर लाइट है तो फोटॉन्स बोलते हैं वैसे जनरली इनका इनके लिए जनरल वर्ड क्या है क्वांटम या क्वांटा अगर ये पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट के लिए है तो फोटॉन्स बोलते हैं फोटॉन्स फॉर लाइट डन तो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा ऐसा लगता है जैसे कि अमेजोन की तरफ से भेजा गया है, है? तो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा सी क्या लिखा गया है वर्ड्स में डिफरेंट आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली इसको दिल में रख लीजिए यस yes. यहां पर दिल बना लीजिए तो एब्जॉर्ब एनर्जी कोई भी एटम मॉलिक्यूल जो होगा एनर्जी को मॉलिकॉर्ब करेगा रेडिएट करेगा डिस्क्रीट फॉर्म में करेगा द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी अब यहां पर ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो एक्चुअली फॉर्मुलेशन है प्लैंक का प्लैंक ने बताया कि ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है इस पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी आखिर होती कैसे है कितनी होती है पैकेट ऑफ एनर्जी देख रहे हो ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है ये पैकेट ऑफ एनर्जी एक्चुअली इसकी एनर्जी होती कितनी है ये यहां सेकंड लाइन में लिखा गया है. तो इस पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी को अगर आप इसे दिखाओगे तो ये एनर्जी जो, वो गए, so, जो energy energy है वो पाई गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटा या फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स सो जो पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू उसकी फ्रीक्वेंसी की होती है जो भी पैकेट ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है पैकेट ऑफ एनर्जी वेव मोशन होगा और साथ में क्या होगा वो पैकेट के फॉर्म में होगा तो जो भी एनर्जी कंटेंट है उसका उस पैकेट का उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो प्लैंक का ही प्लैंक लग जाता है ई e क्या है एनर्जी है न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है तो एच क्यालिटी हटाने पर लगा है अब इस प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या करना देखिए एक और फॉर्मुला आ गया चैप्टर है ही ऐसा ये फॉर्मुले पर ये फॉर्मुला बाय फॉर्मुले देते रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे चैप्टर थोड़ी ना हो गया इलेवंथ आ चुका है इलेवेंथ में तो एक्चुअली आपको मजबूत बनना ही पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी है ना और हो सकता है कि भाई आपको इसकी जरूरत और भी ज्यादा फिजिक्स मैथ्स में पड़े। है कि नहीं <laughs> क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम मन हल्का कर लेते हैं मीम्स देख करके भी तो वही बात है देखो जब आपको बता रहा था जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जाएगी और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटाओ तो आपको मिल जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट अब ये फॉर्मूला बन गया इसवल टू एच न्यू जहां पर जो एच है याद रखना एच अप्रोक्सीमेटली ये सेकेंड लिखा गया बट उसकी जगह पे लिखाना है जूल सेकेंड सो लेट मी राइट इट करेक्टली आ जाओ दोस्त हा जूल इन टू सेकेंड इसकी यूनिट है हम इसे शॉर्ट में जे इंटू एस पी लिख सकते हैं तो प्लैंक्स क्वांटम की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिस मत करना हां याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है न्यू e ये चेंज भी होता है याद करो उस फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला था वेव मोशन से वो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला कहता है ना कि जो न्यू है जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कह सकते हैं है ना दिवा ये फॉर्मूला अपना वेव वेव वाला wave वाला मोशन फ्रीक्वेंसी इज इनिवर्स टू वेन्थ और ऊपर में कौन है 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 वो वेलोसिटी अगर लाइट की बात की जाएगी तो वेलोसिटी लाइट की पुट कर देंगे हम जो सी से दिखाते हैं जिसकी वैल्यू थ्री इंटू टेन पावर एट होती है तो जैसे ही आप एच न्यू में न्यू की जगह पर सी बाई लेमडा पुट करोगे अब ऊपर में देखो एच कॉन्स्टेंट और सी कॉन्स्टेंट दो कॉन्स्टेंट आ गए ये दोनों कांस्टेंट होते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट मैं light की बात और इसीलिए हम, okay, हम क्या करते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग के लिए एच और सी देख रहे हो एच और सी के ना हमने शॉर्टकट बनाए हुए जैसे अगर मुझे एच और सी का शॉर्टकट अगर एक याद रखना है तो हम क्या याद रखते हैं देखो एच की ये वैल्यू और सी की ये वैल्यू थ्री इंटू टेन पॉल एट अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एप्रोक्सीमेट करके हम ये याद रखते हैं टू इंटू टेन पॉइंट माइनस ट्वेंटी फाइव जूल जूल इंटू सेकेंड एच की यूनिट थी सी की यूनिट क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट की मीटर पर सेकेंड होती है ना तो जूल सेकेंड को आप जब मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा जूल मीटर आएगा सेकेंड ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच का अब हम डायरेक्ट ये वर्जन जो है ये जो वैल्यू है वो याद रखेंगे इसी वैल्यू को हम सॉल्विंग के टाइम पे पुट करेंगे अब सॉल्विंग के टाइम पे ये नहीं करना कि एच की वैल्यू अलग पुट कर रहे हैं सी की वैल्यू अलग पुट कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीन चार मिनट उसी में बर्बाद कर रहे हैं चुपचाप एच की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो टू इंटू टेन पॉल माइनस ट्वेंटी फाइव के अप्रोक्स है ना वो कैसे आएगा वो माइनस थर्टी फोर एट की वजह से आ जाएगा जो माइनस ट्वेंटी सिक्स आएगा वो एक्चुअली माइनस ट्वेंटी फाइव में कन्वर्ट हो जाता है टू इंटू टेन फोर माइनस ट्वेंटी और याद रखना है कि जब आप इक्वल टू एचन यू लिखते हो ये एचन न्यू जो है वो एक फोटोन के लिए होता है एक फोटोन के लिए होता है एक फोटोन सिर्फ एक फोटोन के लिए आप इतना लिखोगे अगर आपको दस फोटोन मिलेंगे दस पैकेट ऑफ एनर्जी मिलेंगे दस से मल्टीप्लाई करेंगे सो टोटल एनर्जी निकल जाए जैसे यहां पर लिखा गया है ये टोटल एनर्जी के कैसे टोटल एनर्जी और एन मतलब N दे दिया जाए, तो कितनी आ जाएगी एन न्यू ओके नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ये जो प्लैंक्स की जो थ्योरी है यहां जो फॉर्मूला बन करके आया हम यहां से एक और ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन है कि जो टोटल एनर्जी है वो एक्चुअली क्वांटाइज है अब ये एक नया अंग्रेजी वर्ड है भाई कितने अंग्रेज लोग ये जानते हैं कि भाई ये क्वांटाइज क्वांटाइजेशन जो है वो कुछ होता है जानते हो नहीं जानते हो आईसीएससी वालों नहीं जानते हो बड़ा मुश्किल है कि क्वांटाइज वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जाए और आप एग्जैक्टली exactly बता पाओ तो होता आसान है एक्चुअली क्वांटाइजेशन वर्ड जो है जैसे हम कंजर्वेशन कैसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन so, भी एक एक काइंड ऑफ लॉ है और वो इन्हीं इक्वेशन से निकला है। अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं तो वो इसी फॉर्मूले से हम रियलाइज कर सकते हैं कैसे रियलाइज कर सकते हैं अगर एक पैकेट की एनर्जी ये कही जाए कि एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू है तो जो टोटल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी यूनिवर्स में वो हमेशा एच न्यू का मल्टीपल होगी एक बार फिर से एक बार फिर से वंस मोर वंस मोर वंस मोर अगर किसी पैकेट अगर आप कह रहे हो कि जो भी रेडिएशन एमिट होती है वो एच न्यू के फॉर्म में होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है और हर पैकेट की जो एनर्जी है वो एच न्यू होती है इसका मतलब है दुनिया में अगर मान लो एक लाख पैकेट्स होंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी वन लाख मल्टीप्लाइड बाई एच करेक्ट इसी तरह से अगर मान लो कि एक लाख नहीं देर आर सपोज दैट दन बिलियन पैकेट्स ऑफ एनर्जी तो वन बिलियन पैकेट्स ऑफ एनर्जी मतलब न्यू एक पैकेट की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई वन बिलियन तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो वन बिलियन मल्टीप्लाइड बाई एचन न्यू आ जाएगी आएगी ना तो भाई जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा जो है वो एचन न्यू का क्या होगी जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा एचन न्यू का हमेशा एचन न्यू का मल्टीपल होगी चाहे टोटल पैकेट यूनिवर्स में लाख हो दस लाख हो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस बट जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी एक्चुअली एक्चुअली मल्टीपल ऑफ एच न्यू ये इसीलिए कहा गया कि कि क्वांटाइजेशन तभी आता है है जब आपको लगता है कि अच्छा किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के मल्टीपल्स के टर्म्स में बातें होंगी यहां जो फिक्स्ड क्वांटिटी है वो एच न्यू है और दुनिया में जो भी एनर्जी एग्जिस्ट करेगी टोटल जितने भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे उनको काउंट कर लो तो टोटल एनर्जी आप बता सकते हो कि एच न्यू का मल्टीपल होगी किसी फिक्स क्वांटिटी का मल्टीपल फिक्स्ड क्वांटिटी का मल्टीपल अच्छा फिक्स क्वांटिटी का मल्टीपल अगर ऐसी बात होगी तब हम क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं जैसे अपने पास एक पेन है भाई इसके बारे में बोला गया कि ये तो पांच सौ रुपए में आएगा इसकी कीमत तो पांच सौ रुपए है ना तो अपने को पता है ठीक है कितने भी इस तरह के पेन लेते आओ मुझे जो टोटल पैसे चाहिए होंगे वो पाँच सौ का मल्टीपल होगी सौ पेन लाओगे तो पाँच सौ गुना सौ दस 10 पेन लाओगे पाँच सौ गुना दस ये पाँच सौ अपनी जगह पर फिक्स्ड है जितने पेन होंगे इस तरह के टोटल उनका जो भी प्राइस होगा जो भी पैसे होंगे वो इसी का मल्टीपल होगा ये फिक्स्ड है इसका मल्टीपल होगा यहाँ पर जो प्राइस है यहाँ पर जो टोटल खर्च है वो क्वांटाइज्ड है क्वांटाइज होने का मतलब किसी फिक्स्ड क्वांटिटी का क्या है वो मल्टीपल है

जल्दी कैलकुलेशन सही कैलकुलेशन और मजा आएगा कैलकुलेशन में बाकी ये है आपके पास, से यहां पर आप मुझे पहला क्वेश्चन चैट बॉक्स जल्दी चैट बॉक्स में आग लगा दो क्वांटिटीज इस फॉर्मूले में दिखी टोटल दो तीन चार कितनी क्वांटिटीज है यहां पर कितनी क्वांटिटीज है यहां पर जेठा कोई लिख रहा है जेठा की नकल कर रहा है आया जेटा की नहीं मैं नहीं देखता जेटा तो <laughs> तुम लोग सब देखते हो ना सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा भाभी जी घर पे जीजा जी छत पर बेचल तुम लोग ऐसे ऐसे सीरियल देख करके बर्बाद हो रहे हो चार क्वांटिटीज है जिन्होंने चार क्वांटिटीज लिखा है चैट बॉक्स में उन्होंने दिल पे चार चांद लगा दिया बताना कितने कांस्टेंट है कितने वेरिएबल है छा जाओ गुरु छा जाओ जल्दी बता दो आंसर चार में से कितने कांस्टेंट है कितने वेरिएबल है चार में से कितने कांस्टेंट है कितने वेरिएबल है <laughs> प्रगति मुझे दिख रहा है बहुत प्रगति हो रही है तुम्हारी बहुत प्रगति हो रही है प्रगति तुम्हारी सब दिख रहा है मेरे को कितनी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट आ दिल जीत लिया रहे। क्या बात है गेमर्स काव्या ऋषि वीणा गुरप्रीत दिल जीत लिया रहे। भाई क्या बात है दोस्तों लव यू ऑल दो क्वांटिटीज कांस्टेंट है, है कौन कौन सी है एच एंड सी दोनों कांस्टेंट है ये दोनों वेरिएबल है अब चॉकलेट क्वेश्चन ऑल यू लेडी आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स पहले लिखो वी ऑल आर लेडी वी ऑल आर लेडी ऑल यू लेडी एवरी वन इज लेडी हा तो क्वेश्चन ये है लेडी 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 ओके लेडी सो क्वेश्चन इज अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा और लेमडा का ग्राफ बनाऊंगा मुझे ग्राफ बनाना है एनर्जी और वेवलेंथ का तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो चॉकलेट बनता है ओ भाई मुझे तो विजेता मिल गया है शुरू के तीन विजेता दिख गया मुझको लव यू और लव यू सो मच लव यू सो मच कुछ लोगों ने पहले ही समझ लिया मैं देखते हो बट दिल तो सबने जीता है अब चॉकलेट देना है वो तो देना पड़ेगा टाइम के हिसाब से बट चॉकलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो दिल है दिल जीता है भाई सबने फोर डाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला क्यों क्योंकि इनवर्स क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपर लव यू लव यू सो मच शुरू के तीन बंदों ने तो जीत लिया है अब क्या ही बोला जाए आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू दिस इज टफ एक्सप्लेनेशन अच्छा है अपने को समझो. क्या होते है? क्योंकि क्वांटाइज्ड स्टेट का रदरफोर्ड के पास नहीं था क्वांटाइज्ड स्टेट का आप में से पता है किसी ने इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ा डाउट भेजा है सुदीपा ने भेजा है शायद अब सुदीपा खुद है कि नहीं एक बार अटेंडेंस बनाओ सुदीपा अगर हो तो तो सुदीपा का डाउट मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर भेजा हुआ था उसने तो उसने यही बोला हुआ था कि रदरफोर्ड और बोर्स के बीच में रदरफोर्ड ने कहा था कि रिवॉल्यूशन करेगा इलेक्ट्रॉन फिर मैक्सवेल ने बोला कि एनर्जी लूज करने से वो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में बट बोर ने बताया कि ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है भाई क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर पता चल जाएगा तभी समझ में आएगा आपको तो क्वांटाइजेशन को मैंने एक बार मैथमेटिकली समझाया किसी फिक्स्ड क्वांटिटी का मल्टीपल ठीक है अब उसको और प्यार से समझना है तो सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट है अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है लाइन पढ़ना कितनी धमाकेदार लाइन है क्वेश्चन हैज बिन सॉरी क्वेंटाइजेशन माय बैड क्योंकि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो दिमाग में क्वेश्चन ही चल रहा है क्वेंटाइजेशन बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयर केस कैसे अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ स्टेयर केस पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ दर केस है ना तो सपोज दल जो है अमृत सल की हाइट लग रही है तो अमृत सल जो है वो टुपुक 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 पौड़ियों पे चढ़ रहे हैं पौड़ियों कोई पौड़ियां बोलते हैं तो पौड़ियों पर चढ़ रहे हैं और हमने फोटो खींची भी भले ही है बट बता रहे हैं देखो आपको समझना तो ऐसे याद रखना ठीक है, किसी भी staircase पे चढ़ सकते मतलब ठीक है इस सीढ़ी पर है इस सीढ़ी पर जा सकते हैं मैं बात करता हूं इन दो सीढ़ियों की अमृत सर जो है वो दोनों सीढ़ियों पर आ सकते हैं इस सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं और इस सीढ़ी पर भी खड़े हो सकते हैं लेकिन बीच में नहीं खड़े हो सकते दोनों जो स्टेप्स हैं दोनों के बीच में खड़े अब ये तुम लोग घर पे ट्राई मत कर लेना मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, डोंट ट्राई दिस एट होम डोंट ट्राई दिस एट होम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा डोंट ट्राई दिस एट एटम लिखा रहा है बताओ लिख रहा हूं डोंट ट्राई दिस एट होम लिखा रहा है डोंट ट्राई दिस एट एटम ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले से पढ़ लिया था किसी ने लिखा हुआ था अनुप्रिया अनुप्रिया को लिखा हुआ था प्रिया तुम लोगों का दिमाग कैसे चलता है <laughs> कुछ भी करते हुए तुम लोग कुछ भी करते हो तुम लोग ट्राई दिस एट होम मैं एटम लिखने जा रहा था एट तो सही लिखा था बट ठीक है हा तो डोंट ट्राई दिस एट होम का मतलब क्या है क्वांटाइजेशन का मतलब है सी, किसी किसी फिक्स्ड एनर्जी के अकॉर्डिंगली काम होने वाला है किसी फिक्स्ड वैल्यू के मल्टीपल्स में काम होगा फिक्स वैल्यू सी डी जो फिक्स क्वांटिटी है जिसके मल्टीपल्स में काम होगा फिक्स क्वांटिटी कौन सी स्टेयर्स स्टेप्स आप एक एक स्टेप करके यूज करते हुए आप ऊपर जा सकते हो जो स्टेप्स हैं, एक सिंगल स्टेप एक पार्टिकुलर स्टेप पर आप खड़े हो सकते हो दो स्टेप के बीच में नहीं रह सकते मतलब कि कुछ जगह पर जब हम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं जब हम एटम के अंदर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉन्स के पास क्वांटाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है सब एटमिक पार्टिकल्स को

आप दो अलग अलग या अलग अलग, अलग स्टेप्स पर खड़े हो सकते हो स्टेप्स के बीच में नहीं खड़े हो सकते हो यहां पर एक नियम कानून कानून का मतलब क्या है? कि ये नियम है और कैसे जाना है जरा देखना स्टेप्स फॉलो करते हुए जाना है तो आप इस स्टेप पर रह सकते हो इस बीच में नहीं रह सकते यहां पर कुछ नहीं कर सकते यहां पर हवा में थोड़ी ना खड़े हो वो आप नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है ये वो स्टेट्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा ये वो स्टेट्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा और ये हो जाएंगे नोड्स जहां पर आप नहीं जा सकते आई बात समझ ये नोड्स हो जाएंगे ये ओके okay, ये ओके okay. आप इन सब जगह पर रह सकते हैं बट ये नोड्स हो जाएंगे कितने लोग समझ रहे हैं नोड्स का मतलब नोड्स का मतलब वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तो अमृत सल अभी हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉन के जैसे इलेक्ट्रॉन के जैसे कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग जगह पर रह सकता है लेकिन उन्हीं जगह पर रह सकता है जहां पर रहने की इजाजत है जहां पर रहना अलाउड है इलेक्ट्रॉन वहीं रह सकता है जैसे हम उसी हम स्टेप्स पे खड़े हो सकते स्टेप्स के बीच में नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है इलेक्ट्रॉन भी सारे जगह नहीं रह सकता हर जगह नहीं रह सकता हम भी हर जगह नहीं रहते हम जो खेतों में नहीं रहते मैदानों में नहीं रहते हम घर में रहते वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ना क्वांटाइज स्टेट में रहता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रहने के पीछे भी लॉजिक क्या है? रदरफोर्ड इनर्जी टाइम पर नहीं पाई थी रदरफोर्ड की थियोरी को नहीं कर पाए थे। रदर ऐसे कैसे हो रहा है आपके मॉडल में इलेक्ट्रॉन तो गिर जाना चाहिए रदरफोर्ड भैया कंफ्यूजा नहीं समझा पाए प्लैंक की थ्योरी आई उसको यूज करके बोर ने अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया अपना मॉडल चकाचक तैयार कर लिया बोर को फटाफट फड़ समझ में आ गया कि ओ भाई साहब प्लैंक की जो थ्योरी है पक्का प्लैंक की थ्योरी के ही वजह से रदरफोर्ड भैया फंस गए मैं तो समझ गया हूं कि क्या गेम है मैं तो प्लैंक की थ्योरी लगाऊंगा और नया मॉडल बनाऊंगा और वो मॉडल काम करेगा और यही हुआ आई बात समझ हाँ प्लैंक बाद में आए थे तो प्लैंक की थ्योरी को यूज किसने कर दिया बोर ने बोर को समझ में आ गया कि भाई मैक्सवेल का जो ऑब्जेक्शन था वो दूर किया जा सकता है तो बोर ने बताया कि देख मैक्सवेल भैया जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्पाइरल पाथ लेकर के नीचे नहीं गिरेगा वो एक्चुअली वो एक्चुअली फिक्सड स्टेट में होता है वो क्वांटाइज होता है नहीं गिरेगा वो ठीक है ऐसे जैसे हम सीढ़ियों पर जब चलते हैं तो हम भी क्वांटाइज होते हैं स्टेट में हम सीढ़ियों के बीच में नहीं रह सकते वैसे इलेक्ट्रॉन भी हर जगह नहीं हो सकता उसी जगह पर आएगा जहां पर उसको रहने की इजाजत है भगवान ने जहां पर उसको फिक्स कर दिया है मौज करा दी मौज कराने का श्रेय जाता है प्लैंक को अब बोर भैया जो है वो वो खुश हो गए तो खुश हो गए तो उनकी हरकत देखो उनकी वैसे यहां पे होना क्या चाहिए था यहां पे होना ऐसे चाहिए था जानो और बो इस बोर, बोर किसने लिख दिया यहां पर चलो कोई बात नहीं रहने देते चालू को अभी छोड़ देते हैं। मैंने बोला था कि यहां पर जो मेरा नाम होना चाहिए तब मजा आता थोड़ा मजा किरकिरा हो गया कोई बात नहीं बट <laughs> हाजिर है आपके लिए मीम इस मीम में यह बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से रदर और बोर बोर जो है वो रदर को रोस्ट कर रहे हैं रदर ने क्या किया थ्योरी दी एन एंटायर थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर रदर ने पूरी मेहनत की थ्योरी दी और बोर भैया क्या बोल रहे हैं चल निकाल <laughs> भैया बाहर का रास्ता दिखा रहे बोले भाई उधर चला जाता <laughs> और आज मैं भी कुछ पर आई आई एम गोइंग टू रोस्ट रदर फोर्ड आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट टीचर इज गोइंग टू रोस्ट रदर फोर्ड वैसे माइड भी हो सकता है कि नोबिता मैम भी आए माइंड इज अ पॉसिबिलिटी नोबिता जानते हो तुम लोग सारे लोग मैम भी हो शायद बोला था है मैंने कि चलो आओ देखते हैं आज थोड़ा हम मस्ती करते हैं तो लेट मी सी ये बोर भैया कि जवानी का फोटो है मतलब सॉरी मतलब आई लुक मोर जवान यस ऑब्वियसली सो ये उनके ज़्यादा ही जवानी का फोटो डाल दिया सॉरी फॉर दैट फोटो इनकी होनी चाहिए थी, थी थोड़ी वो वाली जब इन्होंने हाँ जी प्रगति बिल्कुल तो कोई नहीं चलिए <laughs> अब आते बोर्स मॉडल पे भाई बोर ने अब आपको तो समझ में आ गया सारे लोगों को कि बोर ने जो है दुनिया को बोर नहीं किया बो, बोर ने जो है वो अपनी तरफ से अब नया मॉडल तैयार किया लेकिन बोर को फायदा हो गया प्लैंक की वजह से बोर का मॉडल बहुत बोरिंग हो सकता था अगर प्लैंक नहीं आते प्लैंक आ गए थ्योरी दे दी उसको यूज बोर ने कर दिया और सॉल्व कर दिया सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इतिहास का है ना अब बोर ने क्या बताया इलेक्ट्रॉन इन कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ सुनते जाइएगा पॉस्टूलेट मतलब जो उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रवचन दिया मतलब जैसे बाबा लोग जैसे बाबा हर्ष प्रवचन देते हैं वैसे इन्होंने प्रवचन दिया और बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इन द कैन मूव अराउंड कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन द कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी भैया ये चीज कैसे आ गई ये कैसे कर दिया फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी कैसे ऑब्वियसली प्लैंग से ऑब्वियसली ये से लिया हुआ है क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड क्वाइंटाइज्ड एनर्जी में होगा ये जो ऑर्बिट्स हैं ये सब क्वांटाइज्ड जैसे हैं बताओ क्वांटाइज्ड कैसे समझ गया बिल्कुल स्टेयर वाला जो एग्जांपल दिया है जो स्टेयर वाला एग्जाम्पल दिया वैसे ही है ना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीढ़ियों पे जैसे हम रहते हैं है ना तो सीढ़ियों में तो सीढ़ियों पे तो हम चल सकते हैं लेकिन सीढ़ियों के बीच जो स्पेस है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो ये सीढ़ियों के जैसे हैं ये ऑर्बिट्स बट बीच में जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते तो बीच वाला जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा वो नोड्स है वो क्या है वो नोड्स है ठीक है आगे दिस पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट ठीक है हमें पता है क्वांटम मॉडल में ऑर्बिट क्या बन जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंडलियस ड्यू टू देंट्रीपिटल फोर्स यहां पर थोड़ी सी फिजिक्स है तो फिजिक्स के ये पॉइंट को आप याद रख जाना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली इसके डेप्थ में ज्यादा मत जाना फिजिक्स में यह बताया जाता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा पार्टिकल मैं चार्ज नहीं बोल रहा अगर पार्टिकल है कोई वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है पता देखिए तो वही लिखा गया सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब यहां पर एक्चुअली सुनिएगा ध्यान से यह पार्ट को समझना जरूरी है कि इस पार्ट में क्या बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड तब आता है जबकि हम कभी भी बात करते हैं किसकी चार्ज की और यहां पर दो तरह के चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज और और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना भाई यहां पर दो अलग अलग चार्ज है चार्ज जब, जब जब आएंगे तब तब हमेशा क्या होगा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन रिपल्शन ये हम कहां से निकालते हैं कुल्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के रूप में लिखते हैं

मैग्नीट्यूड में 1.6 10 -19 है बट साइन इसका अपना क्या होता है नेगेटिव साइन होता है ठीक है ओके ये जो कूलंबिक फोर्स है वो आया किस वजह से क्योंकि दो चार्ज के बीच में हमेशा ये फोर्स एक्ट करेगा वो लिखा गया रेड से ज्यादा अच्छा विजिबल होता अगर मैं वाइट से लिखता सो so, मैं वाइट से लिखता हूं सो so, ज्यादा साफ-साफ दिखे फटाफट पड़ लिखा जाए कू बिग फोर्स के क्यू वन क्यू टू रिपल्शन का अट्रैक्शन का ऑब्वियसली अट्रैक्शन का है, है? है क्योंकि ये जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स है अब फोर्स जो है वो किधर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा

जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ रहा है न्यूक्लियस की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए पक्का कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा क्यों क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस नहीं हुआ तो पक्का वो पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचा जाएगा लेकिन वो खिंचाएगा तब तो गिर जाएगा न्यूक्लियस फिर पुरानी वाली बात हो जाएगी वो तो होगी नहीं वो तो हो नहीं रही है क्योंकि क्वांटाइज्ड स्टेट है तो पक्का जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जो फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रही है इस फोर्स को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स बाहर में होगी वो फोर्स एक्चुअली क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और फिजिक्स में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस फॉर्मुले से दिया जाता है जो है, जो पार्टिकल पार्टिकल का मास है की वेलोसिटी उसका स्क्वायर और जो भी जिस किसी भी डिस्टेंस पे जिस किसी भी सर्कुलर पाथ पे सेंटर से मूव कर रहा है वो पार्टिकल उसका रेडियस दैट मीनस के आर ना बोले तो अच्छा होगा ये स्मॉल आर कर दिया जाए इसको है ना जो रेडियस है यहां से यहां तक का मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पहले आप देख ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो है ना इसमें के की वैल्यू जो है वो नाइन इंटू टेन पर नाइन होती है ये हमें रटनी होती है ये वैल्यू तो ऐसी हो गई अब जो दो चार्ज है वो मैं समझा रहा था कि एक चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है दूसरा चार्ज जो न्यूक्लियस है अब न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है उसको समझ लो आप न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है उसे हम लिखते कैसे न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है उसे हम लिखते कैसे चार्ज ऐसे लिखा जाता है न्यूक्लियस के पास सपोज दैट मैंने बात की आपसे कि ये हाइड्रोजन आइटम है हाइड्रोजन आइटम में कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन है तो कितने चार्ज होंगे एक पॉजिटिव चार्ज होगा दैट मींस के वन इलेक्ट्रॉन के बराबर का मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा पता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज सेम है साइन अपोजिट है मैग्नीट्यूड सेम है मैग्नीट्यूड सेम है तो अगर पूछा जाता कि यहां हाइड्रोजन एटम के पास में बताओ कि कितना चार्ज है हाइड्रोजन एटम के पास में कितने चार्ज है तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है हाइड्रोजन एटम में ठीक है थीके? लेकिन अगर हीलियम होता तो फिर वही आंसर बन जाता दो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है 1.6 10 पर माइनस नाइनटीन ठीक है सो so, ये तो साफ लग रहा है अगर अगर मान लो लिथियम होता तो लिथियम के लिए हम क्या करते हैं भाई लिथियम के लिए ये आंसर हो जाता है थ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होगा यहां पर प्रोटॉन यहां पर जो न्यूक्लियस है उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो एक्चुअली हम जब भी ई लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी वन पॉइंट सिक्स इंटू तो जो भी चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर वो तो प्रोटोन की वजह से और खुद प्रोटोन के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है किसके चार्ज का इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तो न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होगा या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अगर एटमिक नंबर हीलियम का दो है तो जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो टू ही है है ना अब ऐसी कोई एटम होता जिसका हमें नंबर नहीं पता लेकिन हमें इतना पता है कि उसके एटमिक नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं जेड से तो सपोज दैट मैंने बोला कि एक एटम है जिसका कि एटमिक नंबर है जेड अब मुझे बताओ जेड एटमिक नंबर वाले एटम के न्यूक्लियस में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे Z एटॉमिक नंबर वाले एटम के न्यूक्लियस में कितने चार्ज होंगे आंसर है Z मल्टीप्लाइड बाई E। हीलियम के पास दो तो टू ई अगर लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर तीन है तो न्यूक्लियस के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्ज हैं। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो Z मल्टीप्लाइड बाई ई कर दो दैट इज वाई कि एक चार्ज को हम क्या करते हैं एक चार्ज को हमेशा Z के टर्म्स में लिखते हैं वो चार्ज होता है न्यूक्लियस वाला चार्ज ये याद रखना इस बात को कि जैसे यहां पर न्यूक्लियस है इस एटम के अंदर जो भी एटमिक नंबर है उसके हिसाब से उसका चार्ज पुट कर दो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस वाले का इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज फिक्स है किसके बराबर है 1.6 पॉइंट सिक्स पर माइनस के ओके मैं उसे भी हटा रहा हूं थोड़ा सा यहां पर से क्योंकि मैं एक बार फोर्स वाली बात को रिपीट कर दूं इसीलिए और थोड़ा बस यहां पर बोरियत मिटाने में क्योंकि आपके लिए एनोटेशन वाले एनोटेशन याद आया आपका एनोटेशन वाले तो मिल रहे ना एक दो बच्चों ने लिखा होता कमेंट में देखा था मैंने एनोटेशन वाले नहीं मिले ऐसा क्यों ऐसा कैसे हो गया था और अगर जब भी आपको एनोटेशन वाले ना मिले कमेंट सेक्शन में स्पैम मार दिया करो मैं बोल रहा हूं बोल सकते हो खुले हम सबको कि सर ने बोला स्पैम मार ने। <laughs> इतने स्पैम मारने इतने मारो कि तुरंत में सबका ध्यान जाए और देखा जाए कि आपको एनोटेशन वाले पीपीटी क्यों नहीं मिले एनोटेशन वाले पीपीटी पे बस मिटाने में बड़ी बड़ा दर्द होता है ऐसे ऐसे करके मिटाना पड़ता है एनोटेशन वाला नहीं होता तो ऐसे मिट जाता है बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी होती है एनोटेशन सेव हो जाता है इस पीपीटी में ओके okay, तो पॉइंट ये चल रहा था और अब ज्यादा देर की बात नहीं बोर्स मॉडल बस कता मतलब ये पॉइंट पॉइंट है इसके बाद दो और मॉडल मॉडल का जो मेन है सेक्शन वो तो अगली क्लास में होना है स्पेक्ट्रम और वैसे नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें स्टार्टिंग में पहले फॉर्मुलेज वगैरह है वो वगैरह आपको दिखाएंगे फिर स्पेक्ट्रम का डिस्कशन करेंगे तो नेक्स्ट क्लास इज ऐसी क्लास के क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई जयस में एडवांस में नेक्स्ट क्लास और उसके बाद की क्लास सबसे क्वेश्चन आते हैं जेई मेन्स के लिए नेक्स्ट क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो भाई यहां पर मैं ही बात कर रहा था कि बोर ने कैसे कैसे चीजों को समझाया बोर ने समझाया कि यार जो अपना मॉडल है बोर्स वाला वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा सेंट्रीप्यूटल फोर्स वो दिया जाएगा कोलम्बिक फोर्स से यहां जो Q1 है Q1 और Q2 में से एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 हो जाएगा वो जेड मल्टीप्लाइड बाई जो न्यूक्लियस के अंदर है दो तरह के चार्ज है ठीक है तो Q1 और Q2 जब आप Q1 Q2 को पुट करोगे तो वो जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बन जाएगा या नहीं बनेगा फटाफट फड़ बताओ बिल्कुल बनेगा ZE e, क्या बन जाएगा जेड ई रट करके रखना है दिस इज सेंट्री फ्यूगल फोर्स ये सेंट्री फ्यूगल फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकाला जाता है हमें निकालना नहीं केमिस्ट्री में बस याद रखना भी कि ये होता है और दोनों फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा बैलेंस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका इक्वेशन सही नहीं माना जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदल नहीं रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मूव कर रहा है पक्का नेट फोर्स वहां पर बराबर होने चाहिए सो so, ये एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया बोर्स मॉडल का बोर भैया बहुत खुश मैंने तो इक्वेशन बना लिया मैंने तो तो इक्वेशन इक्वेशन बना बना लिया लिया मैंने किसी और ने नहीं बनाया था किसी और ने नहीं बनाया था जैसे हम घर में कैसे खुश जाते हैं हमारे जो भाई बहन है हमारे जो भाई बहन है उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं आता और हमारे लिए गिफ्ट आता हम घर में पूरे में पूरे घर में हम हल्ला कर देते हैं मेरे लिए गिफ्ट आया मेरे लिए गिफ्ट आया पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है अरे इसके लिए गिफ्ट आया जैसे साइकिल आती है बचपन में सबके घर पर साइकिल आती है सबके लिए सब लेकर के पूरे मोहल्ले में घूमते रहते हैं मेरी साइकिल है मेरी साइकिल है तो बोल भैया ऐसे खुश थे पागल जैसे आपको अभी दिखाया था मैंने ये जो चीज दिखाई थी ये क्या थी ये वही चीज थी ये इतने खुश हैं अपने भाई को ही बोल रहे Ford, भाई देख तेरा टाइम निकल गया मेरा टाइम आ गया इतने दिनों से हम गा रहे थे अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा अब आ गया है ना सेंटिफिकल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय जो अब आगे और भी पॉइंट्स है क्या बिल्कुल है देखिए एनर्जी ऑफ द शेल्स इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन एटम एंड दीज शेल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल भाई क्वांटाइज्ड होते हैं फिक्स्ड होती है सारे ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है कोई एनर्जी रिलीज या एनर्जी के लॉस वाली बात नहीं होनी चाहिए एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज और इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में है एनर्जी लूज या गेन नहीं करेगा एनर्जी लूज और गेन करने की बात तभी होगी तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा और इसी पर तो अगला अगली क्लास है हमारी कि इलेक्ट्रॉन यही काम करेगा हमें उसी को पकड़ना होगा कि तो रुक भैया रुक कहाँ जा रहा है तेरी एनर्जी कैलकुलेट करनी है ओके व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी दे दे गेट एक्साइटेड हमें भी एनर्जी मिलती है हम भी उछलने लगते हैं रेडबुल पी लेते हैं आप कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीते हो आप पीते हो चाय दो कटोरा चाय है ना सुबह सुबह और पूरे घर में घूमते रहते हो घर वाले भी हमारे ऐसी मम्मी पापा भी चाय पीनी है इंडियंस मतलब भारतीय होने का मतलब है कि चाय खोर होंगे दिन भर में दस कटोरा चाय तो पक्का पी जाते होंगे तो चाय पीते हैं हाँ स्टिंग पीते हैं कॉफी पीते हैं <laughs> स्टिंग पीते हैं लोग <laughs> अरे मोनिस्टर पी लिया करोगे <laughs> हाँ किसी ने लिखा है डी डॉट ए डॉट आर डॉट यू भाई ये अलग लेवल के लोग हैं ये पक्का नेता वाले लोग हैं नेता लोग भी आए हुए यहाँ पर मेरा लेक्चर देखने के लिए देखो तो वेन इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी दे गेट एक्साइटेड एट टू हाइयर एनर्जी लेवल्स एंड वेन दे गेट डी एक्साइटेड इंग्लिश में यूज ही होता है माइनस करने के लिए डी एक्साइटेड जब जब एनर्जी दीजिएगा देखिए कितना अच्छा जी आई एफ लगा हुआ है ये ट्यों एनर्जी मारा ये जी आई एफ बहुत मजेदार है बताइए और बताइए कह मजेदार अच्छा ऐसे कौन बोलता है आपके फेवरेट सीरियल में जल्दी बताइए आप तो देखते हैं भाव जी घर पर जीजा जी छत पर है प की उल्टल पंटन और क्या क्या देखते हो यार आप लोग इंडियन आइडल वगैरह सब देखते हो आप लोग तो आप बताइए ऐसे कौन बोलता है और क्या जी आई है भाई एनर्जी आई देखिएगा देखिएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलने वाली ओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया ऊपर देखा आपने एनर्जी आएगी यहां से गई और ये वाह ऊपर गया ऊपर यस अब ऊपर जाकर के जब वापस आया आप इसे वॉच कीजिए जब ऊपर से वो नीचे आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा, ये दिख रहा है सबको नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे हो बदमाशो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है जो एनर्जी रिलीज हो रही है दिखेगा हा वो गई है बाहर निकली है फोटोन के फॉर्म में और फोटोन के पास एनर्जी क्या दिखानी है ये देखो फोटोन फोटोन के पास एक फोटोन अगर है

इस इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव एनर्जी है या जीरो एनर्जी है चैट बॉक्स में एक और चॉकलेट क्वेश्चन है ये पॉजिटिव एनर्जी है या जीरो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है जीरो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास जो आइटम के अंदर है साइंस रॉक्स भैया दिल जीत लिया पहला सही आंसर और उसके बाद सारे गलत आ रहे हैं फिर सही हो गए दिल जीत लिया मेरा साइंस दोस्त तुम्हें तो यार तुम यार आज तुम चॉकलेट तुम यार तुम, तुम यार बस क्लास के बाद जस्ट पुट अ मैसेज मैं अपनी तरफ से एक अच्छा सा बड़ा सा चॉकलेट भेज रहा हूं यार तुम्हें दिल जीत लिया मेरा दोस्त हो 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 क्या बात है तो क्वेश्चन खत्म होते ही फोर डाला ऐसे सारे लोग फोर डाला करो मैं तो फंसाता हूं ना पॉजिटिव एनर्जी ना जीरो एनर्जी हर वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है उसकी एनर्जी निगेटिव होती है और वो जितना नीचे जाएगा जितना नीचे जाएगा देखिए फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के आपको पता है एटम की शक्ल कैसे होती है एटमिक वेल के रूप में होती है जितना नीचे जाएंगे ऊपर आना उतना मुश्किल है जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब एनर्जी कम एनर्जी कम का मतलब है निगेटिव एनर्जी ज्यादा समझ रहे ऐसे चलता है ना देखिए ये स्केल होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जीरो का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्र बाउंड्री ऑफ एटम जीरो एनर्जी अगर अगर जीरो एनर्जी है तो आप दो बातें बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ एटम जो एटम की बाउंड्री इलेक्ट्रॉन वहां है या इनफाइनाइट पर है और अगर पॉजिटिव एनर्जी उसका मतलब ही है आउट ऑफ एटम है अगर पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है तो वो आउट ऑफ एटम है नेगेटिव एनर्जी अगर है इलेक्ट्रॉन के पास तो वो इन साइड आइटम है आई बात समझ मत कीजिएगा आपको बहुत प्यार से फसा लिया मैंने आपको आपको पता है कि मैं ये सब करता हूं <laughs> बहुत मजा आता है हमको ऐसे करके आपको पता नहीं है आ? जी समझ रहे हैं हम जी 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 ओके okay. नौ no. अब आगे अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एक्साइटेड देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन मान लो सपोज दैट के जंप मार करके आपने एनर्जी दी ये ट्यों ये वेव मोशन में मैं क्या बता रहा हूं एनर्जी मिली ये फोटोन फोटोन के अंदर एनर्जी है एक फोटोन के अंदर एनर्जी वो फोटोन गया उसने एनर्जी दी किसको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में चला गया तो फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट orbit, सारे ऑर्बिट्स की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला अगले क्लास में देखने वाले हैं बट मैं इस 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 स्लाइड्स में आपके पढ़ने के लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ करके जाऊंगा रीडिंग डाल लेना है आपको सो so दैट जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा पूछूंगा कि आपने रीडिंग डाली कि नहीं समझाना वहीं से बोर्ड के फॉर्मुले दिखाने और उसका स्पेक्ट्रम समझाना है वो डेडिकेटेड नेक्स्ट क्लास बहुत क्वेश्चन आते हैं उस क्लास से मुझे पता है तो बहुत क्लास बहुत क्वेश्चन आते हैं जैसे ही बोला है वैसे ही अब आप नहीं आने वाले अगली क्लास में बोल रहा हूं कि आना है भाई भीड़ लेके आनी है सबको बता बता देना जो लोग एब्सेंट भी कर रहे हैं उनको भी बता देना है मिस नहीं करनी अगली क्लास तो एनर्जीज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ये भी पॉस्टुलेट है भाई ये पॉस्टुलेट जो चल रहे हैं वो बोर्स के ही पॉस्टुलेट हैं और अ बोर का ये जो पॉस्टुलेट है इस पॉस्टुलेट का स्पेशल नाम होता है फ्रीक्वेंसी पॉस्टुलेट दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉस्टुलेट क्यों फ्रीक्वेंसी पॉस्टुलेट सुनिएगा ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन निकल करके फर्स्ट से थर्ड में गया वो जा सकता है कहीं पर भी मैंने माना कि फर्स्ट में था ये मैंने माना हुआ फर्स्ट में था क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे स्टेबल फॉर्म में होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में रखे हुए हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में थे

टू और ई वन लिखा है तो उसका भी मतलब होता है कि बताओ पहला कौन पहले कौन सा ऑर्बिट था बाद में कौन सा ऑर्बिट उसको से दिखा दिया लेकिन सही तरीके से ये लिखना चाहिए माइनस ई जहां पर डेल्टा E क्या है ये मुझे फटाफट समझा दो डेल्टा E का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस कौन से एनर्जी का डिफरेंस भैया फर्स्ट और थर्ड का क्यों आप क्यों निकाल रहे हैं डिफरेंस इन एनर्जी दोस्त डिफरेंस इन एनर्जी तो निकालेंगे ही एक होता है कि मैंने आपने जैसे बताया कि आप स्टिंग पीते हो कॉफी पीते हो है ना चाय पीते हो चाय पीते हो एक एक ट्रेन में भी चाय मिलती है वोली चाय पी सबने जिसको पी के बेहोश हो जाते हैं उसके बाद सारे लोग आपका सामान लेके चले जाते हैं वो चाय नहीं पीते हैं <laughs> उससे चाहे घर से चाय बना करके लेते जाओ ठंडी चाय पी लो ट्रेन में लेकिन जो चाय देते हैं बाहर से ऐसा भी नहीं होता है बेचारे अच्छे भी होते हैं है ना तो मैं ही कह रहा था कि चाय पिया आपने चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद एनर्जी का डिफरेंस होता है भाई एनर्जी का डिफरेंस होता है भाई वैसे एनर्जी पहले कम थी इलेक्ट्रॉन की बाहर से एनर्जी मिली वो एनर्जी लेकर के वो थर्ड ऑर्बिट में चला गया अब थर्ड और फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है बताओ तो चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर होगा क्या वो डिफरेंस चाय की एनर्जी के बराबर का नहीं होगा अरे बिल्कुल होगा यार चाय की एनर्जी के बराबर का ही तो डिफरेंस होगा चाय की एनर्जी के बराबर का ही तो डिफरेंस होगा चाय की एनर्जी के बराबर का ही तो डिफरेंस होगा जी तो चाय पिया फुदक करके वहां चले गए एक्साइटेड हो गए तो डिफरेंस किस वजह से आया चाय जो डिफरेंस होगा ना फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल हम्म हट जाओ तो हट और बताओ से हाँ तो एच न्यू मैं क्यों बोल रहा हूं भाई क्योंकि यही एनर्जी दे करके एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट कर दिया तो ये एनर्जी रीजन थी कि इलेक्ट्रॉन चला गया थर्ड में तो थर्ड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस कौन हो गया एच न्यू ये बात किसने बताई भाई बोर ने बताई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट्स के बीच में जंप करता है चाहे वो एक्साइट कर क्या सर लैग रिपीट करोगे बदमाशी तुम लोग सच में लैग है अरे कौनो लैग वैग नहीं है जी कोई लैग नहीं है कैसी बातें कर रहे हो इंटरनेट कौन से लेके बैठे हो तुम लोग अरे लैग था गलत बात मैं सब समझ ला अल मैं सब समझ द लैग की बात तो तुम कल लो कर ले ना ऐसा लैग नहीं होता है तो गलत गलत बातें मत बोलो मेरे तो मैं भी तेक कर लूंगा ठीक हो गया लैग कोई लैग नहीं है लैग 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 कल लो तो लोग तुम कहते दिए <laughs> नेक्स्ट लेक्चर एट एट देख लिया मैंने बट दोस्त आज का लेक्चर तो है ही ऐसा बहुत हेवी और तुम लोग सभी हेवी ड्राइवर हो यार बहुत हेवी ड्राइवर हो वैसे मेरा दी एंड यहीं पर है पांच मिनट और बट बहुत हेवी ड्राइवर हो और काश के मेरे पास टोपी होती तो मैं हेड सॉफ्ट कर देता तुम्हें बोल दे रहा हूं वैसे भी हैड यू विघनेश अमीश हैड सॉफ्ट टू यू ऑल गाइस इतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए लव यू ऑल लव यू सो मच बहुत पता है एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात आपको पर बताऊं मामले में बहुत टफ हो जाता है कि जब आपको ना इस टॉपिक को सुपरफेशियली अगर पढ़ना हो ना तब तो टेंशन नहीं होती लेकिन अगर आपको टॉपिक को इस तरह से इतना डेप्थ में जाके डिस्कस करना होता तो टॉपिक टफ हो जाता है बट अगर ये नहीं किया जाएगा तो आगे का बेस नहीं बनेगा तो बहुत जरूरी थी बात अब मैं अगले पांच सात मिनट में इसको बंद करूं बट आपको ये बता करके कि सी अगर आप बोर्स मॉडल का पॉस्टुलेट डिस्कस करते हो पहले सबको ये समझ में आ चुका है कि बोर ने अपना एटमिक मॉडल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके बनाया और फिर से प्लैंक्स की थ्योरी आपको दिख रही है ये बोर ने अपने फ्रीक्वेंसी पॉस्टुलेट में बताया है। बोर ने एक कारनामा किया ये वाला एक कारनामा किया बोर ने कौन सा एक कारनामा किया था ये वाला हाँ एक तो बोर ने क्या किया एक इक्वेशन बताया है ना इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन वाला पॉस्टुलेट याद रखो ये एक इक्वेशन वाला पॉस्टुलेट है जिसमें कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फॉर्मुला रट जाओ फार्मूला याद कर लेना

यहां पर बोर ने अपनी तरफ से वो बातें बताई कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा डी एक्साइट होगा तो वो कैसे होगा उसी का इसी का फॉर्मुलेशन मैंने यहां पर दिखाया तो पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में कौन सा पॉइंट डिस्कशन हुआ फ्रीक्वेंसी पॉसुलेट फ्रीक्वेंसी पॉसुलेट माइंड में आ गया क्योंकि बस एक पॉइंट और बताऊंगा दी एंड करूंगा आगे इसी में कुछ होमवर्क है साथ में डीपीपी भी है डीपीपी हो सकता है थोड़ा तंग करेगी कोई बात नहीं है अगले क्लास में सब कुछ हो जाएगा क्लास में डीपीपी वगैरह सब सॉल्व हो जाएगी तो मुझे बताओ फटाफट ये न्यू मैंने यहां पर क्यों लिखा है बोर की फ्रीक्वेंसी पॉसिलेट में क्या पता चला है अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा या वापस नीचे आएगा डी एक्साइट हो करके, जो भी एनर्जी का डिफरेंस होता है दो ऑर्बिट के बीच में उन दो ऑर्बिट के बीच में जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड या डी एक्साइटेड होता है उसका जो डिफरेंस है वो प्लैंक्स के इक्वेशन से निकलेगा ये प्लैंक का इक्वेशन है है ना ये जो भी है एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन उसको हमेशा प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से लिखने वाले फॉर्मूले के टर्म्स में दिखाया जा सकता है डन ये फ्रीक्वेंसी है, ओके एंड नाउ दिस इज कॉल्ड बोर का एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट यहीं पर डी एंड करते हैं इसको हम क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट भी बोलते हैं इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट भी बोलते हैं क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट और किसके टर्म्स में क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम एक बार आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सारे लोगों को पता है मास इनटू वेलोसिटी वाला जो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है आपको पता है जानश्वरी ने इस पर बहुत अच्छा एक वीडियो भी बनाया हुआ है है ना मोमेंटम का होपफुली शायद के अपने चैनल उस पर डाला हुआ है स्पेक्ट्रम पर तो मास इंटू वेलोसिटी से हमें लीनियर मोमेंटम मिलता है लेकिन जैसे ही इस मास इंटू वेलोसिटी में ना आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे अब जो क्वांटिटी मिलती है वो कहलाती है एंगुलर मोमेंटम और आप देख रहे हो वही चीज है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का मास उसकी वेलोसिटी और फिर उसका रेडियस हा हर सर के घर के अंदर जाने वाला था वो एपिसोड हा तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ये क्या होता है ये एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं मास वेलोसिटी और रेडियस के ये एक्चुअली ये एंगुलर मोमेंटम होता है तो बोर ने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के पास है ना वो बिल्कुल जैसे स्टेयर वाला एग्जांपल था क्वांटाइज्ड होता है क्वांटाइज्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन हियर इंटीज़र और यू कैन से दैट के ऑर्बिट नंबर भी है, इंटीज़र और ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन अक्सर लिखते हैं तो वो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है तो ऑर्बिट नंबर लिख सकते हो या इंटीज़र बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो तो फटाफट -फड़ सुनो और मुझको बताओ अगर मैं पूछू कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कौन से कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है देखना ऑप्शन ए एच बाई पाई ऑप्शन बी एच बाई थ्री एच बाई पाई सी एच बाई टू पाई एंड डी टू एच बाई पाई चार ऑप्शन दिए बताना जरा कौन सा ऑप्शन है कौन सा एंगुलर मोमेंटम है जो कि पॉसिबल होगा ये चार ऑप्शन है इसी पॉइंट से रिलेट करके एंगुलर मोमेंटम जो भी इलेक्ट्रॉन का है वो हमेशा h बाई टू पाई का क्या होगा मल्टीपल होगा अगर ये चीज वैलिड नहीं है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं रह सकता फर्स्ट मैंने ऑप्शन दिया है एच बाई पाई तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये एच बाई टू पाई बोला है जो एंगुलर मोमेंटम है वो बोर के हिसाब से एच बाई का मल्टीपल होना चाहिए तो क्या एच बाई पाई जो पहले ऑप्शन में है वो एच बाई टू पाई का मल्टीपल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है टू से मल्टीप्लाई करे तो दैट मीनस के ऑप्शन ए इज करेक्ट गलत नहीं है वो ऑप्शन इज करेक्ट हमें क्या चाहिए नॉट पॉसिबल तो ये तो करेक्ट निकला करेक्ट निकला ऑप्शन बी ऑप्शन बी में क्या लिखा थ्री एच बाई पाई थ्री एच बाई पाई मल्टीपल हो सकता है क्या एच बाई टू पाई का हाँ जी हो सकता है कैसे हो सकता है फिर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए एन की वैल्यू अगर सिक्स पुट करेंगे तो ये फिर से आंसर आ जाएगा थ्री एच बाई पाई सही है बिल्कुल सही है। फिर जो सी ऑप्शन एच बाई टू पाई एच बाई टू पाई आ सकता है क्या एच बाई टू पाई आ सकता है क्या हाँ जी एच बाई टू पाई आ सकता है अगर मैं एन की वैल्यू क्या पुट करूं N की वैल्यू वन पुट कर दो तो। समझ गए देखो ना दो ऑप्शन कर दिया तो फटाफट सब समझ गए तो था, था तो उसमें 1 से करो, तो C भी करेक्ट है और अब ये कैसे आएगा डी कैसे आएगा यहां पर फोर पुट कर दो अगर फोर पुट करोगे एन स्क्ल टू फोर तो ये भी आ जाएगा so, कोई ऐसा नहीं है जो कि करेक्ट नहीं होगा है ना ओके okay. तो बेटर है कहीं ऐसा है कि बाद में आप रिवाइज करोगे तो कंफ्यूज ना हो जाओ इसके लिए मैं नॉट हटा दे रहा हूं सारे के सारे करेक्ट हैं ऑल आर करेक्ट डन अपना काम खत्म आपको यह दिखा दे आपके लिए शीट में क्या पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है वो पढ़ करके आना है सो so दैट के हम आगे कंटिन्यू करें बता सके देखना आगे आपके एनसीआरटी का पेज डाला हुआ है जहां पर बोर मॉडल डिस्कस किया गया है और उसके अलावा उसके अलावा ये एनसीआर का पेज आ गया इसके बाद जो है रेडियस का कैलकुलेशन रेडियस से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह का डिस्कशन है सब होना अगले क्लास में आपका होमवर्क आप पढ़ करके रखोगे क्योंकि उससे मजा आएगा है ना थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन याद रखो बहुत लोल मैथ्स है, है, है बहुत ईजी वाला है और बाकी आपका दोस्त है ये सब फॉर्मुला याद कराने की आपके दोस्त की ट्रिक है मैं आपसे इतना काम करवाऊंगा अगले क्लास में ट्रिकऊंगा आराम से याद हो जाएगा बहुत आराम से याद हो जाएगा सिर्फ मेरे साथ आपको अगले क्लास में अगली क्लास बहुत क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब देख करके लग रहा होगा बट अभी आप अपने दोस्त की बात सुनोगे मेरे साथ साथ देखोगे क्वेश्चन का डिस्कशन क्विज करोगे क्विज करेंगे हम बहुत बहुत इजीली याद हो जाएगा सिर्फ अगली क्लास में याद हो जाएगा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं बस एक बार अच्छे से पढ़ करके रख लेना आप बस अपने दोस्त के दोस्ती की कसम आपको पढ़ करके रख लेना ये सारी चीजें बस एक बार पढ़ करके रख लेना मेरे दोस्त और कुछ नहीं करना बस है ना ये ये क्वेश्चन ये आंसर सब कर लेना मैं उससे भी अच्छे क्वेश्चन जो वो कराने वाला हूं ठीक है डन वो होमवर्क है आपका अब चले टाटा बाय बाय कर दे आपको हा टाटा बाय बाय अच्छा जितने लोग बाद में वीडियो देखते हैं ना शायद वो डाउट्स वगैरह कम पूछते हैं बट आप लोग डाउट्स वगैरह पूछने से पीछे मत करो डाउट्स वगैरह खूब सारे पूछा करो अवे हाँ जी 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 चॉकलेट चॉकलेट तो आप पे डिपेंड करता है मैसेज करो मैं जाते हैं एक बार याद दिला दूं जितने लोगों ने प्रो नहीं लिया है प्रो प्लस स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं प्रो प्लस ले लो ढेर सारे पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन डाउट सॉल्विंग टेस्ट पोस्ट क्लास कंटेंट और प्लस साथ में आपको प्लस साथ में आपको एक मेंटर मिलता है जो आपके तीनों सब्जेक्ट में आपको हेल्प करते हैं पर्सनल मेंटर आपको असाइन होते हैं और डाउट्स वगैरह पूछने के बहुत बहुत अच्छे उपाय हैं ये डाउट्स पूछने का तरीका है ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये यह जो अपनी जो वेव बुक है जिस पर हम क्लास लेते हैं और सम प्लेटफॉर्म है बहुत मजा आता है इस पर बहुत मजा आता है अनकैम करके अनम्यूट करके आपको बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं रियल टाइम आपको लगेगा ऐसे कि आप क्लास में बैठे हुए हो बड़ा मजा आता है बहुत यूनिक टाइप ऑफ इंट्रेक्शन होता है और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास से वैसे ज्यादा फीचर्स है क्यों क्योंकि हम क्विजेस कर सकते हैं बड़े मजेदार तरीके से टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं और ये माइक्रो एनालिसिस है लीडर बोर्ड वगैरह है जिस जिसपे बहुत मजा आता है सबसे बड़ी बात भाई हमारे माइक्रो कोर्सेज वगैरह लॉन्च होंगे अभी तो उसमें फिर आप मिस कर जाओगे हमसे जो पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह है वो आप मिस कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फटाफट ले डालो बिल्कुल मिस मत करो अपने दोस्त की बात मानो और कोई भी इशू आए इसके बाद फिर आप हमें जरूर बताओ और वैसे इशू आएंगे नहीं आपको इतना मजेदार लगेगा रिजल्ट्स आर ऑसम अगर सिर्फ और सिर्फ ये एडवांस की बात करोगे तो आपको सिर्फ दिख जाएगा कि 10 में से एक रिजल्ट तो श्योर है 10 परसेंट इज एनॉर्मस रिजल्ट बहुत बहुत अलग लेवल पर है हम रिजल्ट बनाने में दूर दूर तक लोग जो है वो है नहीं हमारी बराबरी में ये जो मल्टीपल कोर्स वाला फीचर है ये अलग ही लेवल पर मजा आ रहा है सपोज दैट आप किसी बैच में हो मेरा कोई कोर्स लॉन्च होता है आपके फेवरेट किसी टीचर का कोर्स लॉन्च होता है किसी भी सब्जेक्ट में किसी टीचर का कोर्स लॉन्च होता है आप चाहते हो कि उनसे पढ़ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल हो सकते हो एनी टाइम कोई ब्रिज कोर्स आता है कोई रिवीजन कोर्स आता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई कोर्स आता है किसी भी कोर्स में आप जा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट क्या चाहिए और बताओ और क्या चाहिए अपने दोस्त का कोड जरूर लगाइए सो so दैट कि आपको ऑफ मिले ये पाप गलती से भी मत कर देना बिना कोड लगाए भी मत ले लेना और इंप्रूवमेंट एक आपसे है कि अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो पूरे पैसे वापस है आपके अब ये दिस इज समथिंग के नो वन इज डूइंग कोई नहीं कर रहा है ये आपके लिए हम खुद चाहते हैं हम इतने ज्यादा जिम्मेदार बने आपको अगर ऐसा फील होता है कि आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो ठीक है वापस चिन्मय लव यू सो मच लव यू ऑल बाय गाइज लव यू सो मच आपके आठ बजे फिर से चलाए आठ बजे सेशन में भी ट्राई करोगे आ जाओ हैट्स ऑफ टू योर टू योर हार्ड वर्क लव यू ऑल इतनी लंबी क्लास में आप मजबूती से जमे रहे नेक्स्ट क्लास बहुत धमाकेदार है बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर आइएगा लव यू ऑल लव यू सो मच टेक केयर एक बार लव यू दोस्त हो जाए चैट बॉक्स में एंड आई होप कि आप लोग सभी सेफ रख रहे होंगे खुद को सेफ रखिए टाइम बहुत टफ है इस टफ टाइम पर अपने फैमिली के साथ रहिए और बात मानिए जो भी घर पे आपको बताया जाता है सेफ रहने के तरीके बताए जाते हैं खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए आप लोग वैसे तो समझदार हैं और सोशल मीडिया पे आप देखते भी रहते हैं चीज़ों को और हेड्स ऑफ टू ऑल ऑर्ग बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा जो कि सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने की और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्सनली मुझसे जहाँ तक हो पाया मैंने भी बहुत सारे लोगों को डोनेशन दिए हैं अपनी औकात से बाहर जा कर के किया है मैंने अपने घर पर खुद मेरे नाना की भी डेथ हुई है तो वी ऑल आर काइंड ऑफ के हैव लॉस्ड सम वन लव्ड इस टाइम पर बहुत टफ टाइम है सो यार प्लीज स्टे सेफ और हेल्दी और अपने आप को हेल्दी रखिए और सेफ रखिए लव यू और लव यू सो मच टेक केयर प्लीज शेव ना मैं शेव नहीं करूँगा अब तो मैं जा रहा हूँ बन्ने अल्लू अर्जुन और बी एड ऐसे ही रहेगी लव यू सो मच गायज बाय टेक केयर आप लोग भी <laughs> बोल रहे हैं हाँ सर ठीक है ठीक है बहुत हो गया चलो बाय चिन्हय